नमस्कार, जय सी एल सी, किशोर, श्रवण, कैसे हैं सब लोग? तो आज किशोर पुत्र 22वां यानी 50% पार करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये थर्मोडायनेमिक्स का हेडिंग है, टीडी बोलूंगा इसको, शॉर्ट में टीडी कहेंगे, टीडी। 22वां वीडियो शूट करने जा रहे हैं। हीट के नाम पे हमने आपको तीन वीडियो दे रहे हैं। पहला दिया था, उसमें सारा बेसिक था, उसके बाद सेकंड आपका केटीजी आया, आज आपका टीडी है। तो तीन वीडियो के माध्यम से हमारा प्रयास रहा कि हीट, मेरा हेडिंग हीट है इसका, मैं सबको हिट बोलता हूँ, मेरी कुछ अपने टर्मिनोलॉजी है, ओके डियर। उसके बाद दो वीडियो वेव और साउंड के, उसी के साथ आपका 11th कंप्लीट हो जाएगा। आज ये 30 दिसंबर को हम आपसे बात कर रहे हैं और ये वीडियो भी आज 30 दिसंबर को आप देख रहे हैं, ठीक है डियर। एक बार फिर सुन लो, 31 दिसंबर की रात को 8 से 12 अपने CLC के फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज पे लाइव बदन संध्या रहेगी, और रात को ठीक 11:55 पे 31 दिसंबर को हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते हम लोग 1 जनवरी 2021 में प्रवेश करेंगे। तो बात शुरू करें, चलो अपना पैन निकालो पुत्र, ओके डियर, स्टार्ट है। बढ़िया हो, गुरुनीति के ऊपर कुछ कमेंट्स तो दो यार, कुछ लिखो तो सही, इसमें कुछ कॉम्प्लीमेंट तो लिखा करो, बड़े आदमी होता है कि हमें भी, हमारी भी हौसला अफजाई हो यार, हमारी भी हौसला अफजाई हो, इससे हम भी एक शिक्षक है, भावुक से लोग होते हैं, बच्चों का अप्रिशिएशन ही, प्लेयर जो होता है दोस्तों, उसको हुटिंग के बिना वो अच्छा खेल नहीं सकता, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहे हैं यार, एक यज्ञ हम लोग कर रहे हैं, एक चीज मांग रहे हैं आपसे, मांग क्या रहे हैं भाई यार, ओके डियर, शुरू करें जी। बस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट थर्मोडायनेमिकल फंक्शन, कौन सा ऊष्मागतिकी फलन नहीं है, कार्य है, सीधा सा लिख रहे हैं भैया, बिल्कुल, कार्य पथ पे डिपेंड करता है, कार्य पथ पे डिपेंड करता है, वर्क डिपेंड ऑन पाथ, ओके डियर, पाथ फंक्शन बोलेंगे, पाथ फंक्शन कहेंगे। चलो आगे, अगला चलो बेटा, आ जा भैया, ये दोस्तों किसो शुरू होता है, वो कहता है द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू ए सिस्टम 35 जूल, अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम 15 जून, देन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पेज खाली कर भैया, दोस्तों दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है, तो प्रथम नियम बड़ा साफ साफ है, ये कोई कंटेनर है, उसमें कोई गैस भर दो, यहां से कोई इसको हीट दो, माना इसको डी क्यू हीट दी, इसका एक पार्ट है वो बाह्य वर्क में खर्च होगा, एक पार्ट इसका इंटरनल एनर्जी में खर्च होगा, एनर्जी आप जानते हो वैसा क्या रहती है, कंजर्वेट रहती है, तो इक्वेशन बन गया डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, डी क्यू हीट गिवन टू सिस्टम, डी यू ऊर्जा, डी डब्ल्यू वर्क, तो जूल 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 अर्ग 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 कैलोरी कैलोरी कैलोरी। अब इसका एक रियल बताओ कहानी क्या, रियल उत्तर ऐसे होता है, ये ढंग से पढ़ो तो ये ऐसे है, बिल्कुल डी के यू के साथ तो डी है, डी है, जबकि क्यू और डब्ल्यू के पास है डेल्टा है, कारण है क्यू और डब्ल्यू पथ पे डिपेंड करते हैं, जबकि यू पथ पे डिपेंड नहीं करता है। तीनों के नाम सुन लो, डी क्यू गिवन हीट या टेकन हीट, सुन लो रे, सिस्टम को उष्मा दी तो पॉजिटिव, सिस्टम से उष्मा ली तो नेगेटिव, डी यू क्या है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, उसका एक ही फॉर्मूला है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, अंतिम पॉइंट की इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल पॉइंट की इंटरनल एनर्जी, पथ का कोई रोल है नहीं, नहीं है। उसके बाद है डीडब्ल्यू, डीडब्ल्यू भी दोस्तों दो प्रकार से, वर्क डन ऑन सिस्टम नेगेटिव, हेलो यस, वर्क डन ऑन सिस्टम नेगेटिव, वर्क डन बाय सिस्टम पॉजिटिव, निकाय पे किया गया कार्य नेगेटिव है, निकाय के द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव है। और सुन लो रे भैया, केमिस्ट्री का टीचर इसका ठीक उल्टा पढ़ाएगा रे, थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री की जब बात चलती है तो यहां जो प्लस है वहां माइनस होता होगा, तो एक क्वेश्चन केमिस्ट्री में आया तो केमिस्ट्री टीचर की बात माननी है, और फिजिक्स में है तो हमारी बात माननी है, कंफ्यूज ना हो। तो डी क्यू बराबर डी यू एग्जैक्ट इसके डेल्टा आया, इसके डेल्टा आया, ये पाथ पे डिपेंड करते हैं, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो दोस्तों ये आपका थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट इक्वेशन हो गया। फिर याद दिला दूं, सिस्टम को उष्मा दी तो डी क्यू पॉजिटिव, ली तो नेगेटिव, डी डब्ल्यू सिस्टम पे वर्क किया तो नेगेटिव, सिस्टम द्वारा किया गया तो पॉजिटिव। आ जाओ क्वेश्चन, आ जाओ भैया जो साफ कहते, और एक बात और सुनना, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, इसमें अक्सर गलती क्या करते हैं, या तो सारे चेंज करो कैलोरी में, या सारे चेंज करो जूल में, ऐसा कई बार क्या बॉर्डर होता है, कुछ आगे कैलोरी में कोई जगह जूल में, और गुणा भाग करके आपसे पूरे पूरा मेहनत आपकी खराब कर देता है। चल बच्चे शुरू करो, किशोर पुत्र, यस यस, डी जो साहब कहता है निकाय को दी गई उष्मा प्लस प्लस, बोलो 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 बच्चे बच्चे बोल, सामने सिस्टम को दी गई प्लस प्लस, निकाय पर संपन्न कार्य माइनस माइनस, वर्क डन देख पूरा, वर्क डन ऑन सिस्टम माइनस डी डब्ल्यू, कितना माइनस 15 जूल, क्या चाहिए तेरे को डी यू, तो व्हाट इज डी यू, डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, व्हाट इज डी क्यू 35 माइनस माइनस प्लस,
तो दोस्तों आंसर क्या गया 50 जूल, ये भी जूल में वो भी जूल में, टिक मार आंसर के हुआ, बिल्कुल आया बात का मजा। डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी, ये क्या है फर्स्ट लो ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बिल्कुल जिसको अपन क्या बोलते हैं फ्लोट, फ्लोट यस, फर्स्ट लो ऑफ टीडी। आगे चलो, फिर आगे फिर ये क्या कहता है क्यू, देख बच्चे देख कलर चेंज कर, क्यू जो है वो तेरे सामने सामने क्या है उसमें हीट है, क्यू का मतलब तो क्या दिया अगले ने हीट दिया, ई का मतलब क्या दिया इंटरनल एनर्जी जिसको अपन यू कह रहे हैं, डब्ल्यू वर्क दे दिया ओके। अब ये कहता है कि एक साइक्लिक प्रोसेस में बंद चक्रीय प्रक्रम में किए गए कार्यों को प्रदर्शित करते हैं, तो निम्न में कौन सा सुनो भाई क्या है साइक्लिक प्रोसेस। दोस्तों कोई सिस्टम यहां से चला और वापस यहां आ गया तो एक बात पहले सुन ले, इसमें वर्क कितना होगा वो तो इस साइक्लिक द्वारा कवर्ड एरिया है, किसी बंद चक्र के द्वारा या ग्राफ हमेशा किसमें होता है पी और वी में होता है, पी और वी जिसको बोलते हैं इंडिकेटर डायग्राम। हेलो सुन रहे, पी और वी के बीच खींचे गए ग्राफ का नाम ही सूचक आरेख है, उसी का नाम है इंडिकेटर कर्व है। तो ये साइक्लिक प्रोसेस है, इसमें जो वर्क है वो इस साइक्लिक प्रोसेस के द्वारा कवर्ड एरिया है, और यदि ये एन बन रहा है तो दोस्तों वर्क नेगेटिव होगा, और ये एस बन रहा है तो वर्क पॉजिटिव होगा, तो यहां के सामने क्या बन रहा है ये एन बन रहा है, कार्य क्या है नेगेटिव, कितना इसके कवर्ड एरिया के बराबर है। लेकिन बहुत प्यारी बात है पुत्र, तू चला यहां से यहां गया वापस यहां आ गया, डीयू बराबर क्या हो गया जीरो, तो डीयू जीरो हो गया। अरे सुन रहे यार, सुन रहे भाई सुन रहे, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, इस प्रोसेस में डीयू क्या हो गया जीरो, तो डी क्यू किसके बराबर हो गया है डी डब्ल्यू के बराबर है, यानी साइक्लिक प्रोसेस में जो किया गया वर्क है वो साइक्लिक प्रोसेस के कवर्ड एरिया के बराबर है, और वही डी क्यू के बराबर है। अब आगे सुन, यदि वो क्लॉकवाइज है तो डी क्यू प्लस है, यानी उष्मा निकाय को दी जा रही है, और यदि साइक्लिक प्रोसेस नेगेटिव है तो डी डब्ल्यू नेगेटिव है, तो डी क्यू भी नेगेटिव है, उष्मा सिस्टम से ली जा रही है। अब ये कहता कौन सा विकल्प सही है, तो साफ साफ पता लग गया भाई कौन सा विकल्प सही हो गया, E0 = 2 0 बोला है ना, बिल्कुल। तो मैं फिर से कहता हूं, एक डी क्यू है, एक डी यू है, एक डी डब्ल्यू है, यू क्या है थोड़ी बात कर ले, दिस इज इंटरनल एनर्जी, ये दोस्तों काइनेटिक और पोटेंशियल के जोड़ के बराबर है, बिल्कुल बात करूं यस। आंतरिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, गतिज आंतरिक ऊर्जा प्लस स्थितिज आंतरिक ऊर्जा, काइनेटिक और पोटेंशियल, इंटरनल बराबर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, पोटेंशियल हमारा सारा सिलेबस किसके लिए है पुत्र, आइडियल गैस के लिए। आइडियल गैस की यूपी हमेशा क्या होती है जीरो, डॉट वन लोगे, जैसे उसमें आदर्श गैस में कोई किसी प्रकार का इंट्रामोल फोर्स नहीं है, जब कोई फोर्स ही नहीं है तो भाई ऊर्जा कहां से आएगी, क्यों भूल गया क्या, एफ इक्वल टू क्या होता है माइनस डी यू बाई डी आर, यस याद है क्या, एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, जब एफ ही जीरो है, एफ है ही नहीं, तो भैया सीधी सी बात है, सॉरी आपकी बात पूरी होगी, तो आप क्या कहते हैं U जो है वो एग्जैक्ट किसके बराबर है, यूके के बराबर है। थोड़ी सी बात आपसे कर लूं मैं, बिल्कुल मैंने कहा था कल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है एफ बाई टू एन आर टी, याद है क्या, बिल्कुल याद है क्या, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से पढ़ाया था हमने कि किसी भी गैस की गतिज ऊर्जा होती है एफ उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, एन उसके मोल, आर ए कांस्टेंट, डी ए टेम्परेचर। और बड़ी सोहनी बात आई थी कि काइनेटिक एनर्जी का कोई संबंध नहीं है प्रेशर से, बिल्कुल नहीं, किससे संबंध है टेम्परेचर से, वेग का भी कोई संबंध नहीं है प्रेशर से, किससे है टेम्परेचर से, ये तेरे सामने किया गया। यही अब एक बात सुनना भाई, अब इसको मैं कहूं कि यू डी यू कहें इसको क्या करना पड़ेगा, डीके डीके करना पड़ेगा, तो एफ चेंज नहीं होगा, यस एन चेंज नहीं होगा, आर चेंज नहीं होगा, केवल क्या चेंज होगा डी टेम्परेचर। ध्यान देना भैया, लेफ्ट साइड में कोई परिवर्तन करोगे तो राइट साइड में, तो भाई यार राइट साइड में कोई परिवर्तन करोगे तभी तो लेफ्ट परिवर्तन आएगा, बिल्कुल तेरे सामने सामने डी है। ये फॉर्मूला क्या बन गया, डी यू इक्वल टू एफ बाई टू एन आर डी टी, डी टी किशोर है एक सुंदर सी बात लिखूं, अरे भूल गया क्या, सीवी क्या होता है एफ बाई टू, बिल्कुल तो सब कुछ जोड़ देंगे आज देख, तो ढंग से बैठ जा, सीवी इक्वल टू क्या होता है एफ बाई टू आर, यस एफ बाई टू आर क्या है सीवी, तो तेरे सामने सामने क्या बन गया रहे डीवी इक्वल टू डीटी एन सीवी डीटी, डीयू चेंज इन इंटरनल एनर्जी एन नंबर ऑफ मोल, सीवी
स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम, यस डीटी चेंज इन टेम्परेचर। एक बात सुन ले रहे, दुनिया में कुछ ही बोले कंफ्यूज मत होना, डीयू का मतलब तो एनसीवी डीटी हो रहा है, गांठ वाले बिल्कुल पता है ना, बिल्कुल डीयू का मतलब एनसीवी डीटी होना है, चाहे वो कांस्टेंट प्रेशर करे चाहे कांस्टेंट वॉल्यूम करे, हमें से कोई मतलब नहीं है, बस ये तो चाबी बांध दे। ये ट्रिक है, सब्जेक्ट अलग चीज है, ट्रिक अलग होती है। डीयू इज ऑलवेज एनसीवी डीटी, बोल है ना, बिल्कुल। थोड़ा सा माहौल बन गया, यस, और कर दूं आगे, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, यस। दांदना क्लास, ये एक कंटेनर है, इसके नीचे मैंने एक बर्नर लगा दिया, yes. एक बात सुनना भाई, एक वर्क का सिंपल फॉर्मूला होता है पीडीबी, वर्क का एक सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या है, पीडीबी, यानी पी और वी के बीच जो कर्व खींचते हैं तो इस कर्व के द्वारा जो कवर्ड एरिया है वो किसको बताता है, वर्कर को, ठीक है डियर। तो आपने जो इसको हीट दी, ध्यान देना, किसी भी कंटेनर को आप हीट देते हो तो खर्च कहां होती है, दो जगह, एक खर्च होती है आंतरिक ऊर्जा में, एक खर्च होती है बाह्य कार्य में, बिल्कुल। एक मिनट या किशोर, बहुत सुंदर बात आ गई, एक आदमी कहता सीपी हमेशा सीवी से बड़ा होता है, कैसे कहता है, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, तो सीपी सीवी से बड़ा है, सीपी मतलब कांस्टेंट प्रेशर, सीवी मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम। एक बात ध्यान सुनना, सीपी बड़ा क्यों है, क्योंकि तो सीवी की बात कर पहले, सीवी जो करता है तो कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो तू जानता है डब्ल्यू बराबर क्या होता है, पीडीबी, ये पार्ट क्या हो गया, जीरो। तो डीक्यू केवल क्या काम करेगा, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा, जबकि सीपी तू लेता है तो तेरा डीयू भी है, तेरा डीडब्ल्यू भी है। कहने का मतलब यह है, यदि प्रेशर नियत रखना है तो डीयू भी काम खर्च होगा और डीडब्ल्यू भी खर्च होगा, लेकिन यदि वॉल्यूम कांस्टेंट करना है तो वॉल्यूम बढ़ाई नहीं, तो दोस्तों ये पार्ट क्या हो गया, जीरो। तो आपका कार्य एक जगह हुआ, कहने का मतलब है सीपी के टाइम काम दो जगह करना पड़ता है, सीवी के काम एक जगह करना पड़ता है, कॉमन सेंस की बात है, काम दो जगह करना होगा तो अमाउंट भी ज्यादा होगी, इसलिए सीपी सीवी से बड़ा है। तो पहली बात में गांठ बांध लो भैया कि सीपी सीवी से बड़ा क्यों है, उस बड़ा भी है क्यों है, समझा दिया आपने, और फिर से सुन लो, CP माइनस CV इक्वल टू R, जिसका मान 8.31 जूल पर मोल पर कैलोरी, पूरी बात सुन क्या, जूल पर मोल पर कैलोरी, ओके डियर। थोड़ा मैं आगे को चलूंगा यार, मेरी इच्छा हो रही है, इसी को हम कहते हैं मेयर रिलेशन, मेयर, यस मेयर रिलेशन, थैंक यू। DQ बराबर DU प्लस DW, तू जो DQ दे रहा है वो कौन है, NCP DT, एक बार कहां खर्च हुआ, एनसीबीडीटी, डीडब्ल्यू क्या होता है, डीडीबी। चालू हो गया दिमाग, चिंता मत कर। अब एक बात सुनिए यार, ये तो ब्रह्मास्त्र है, इसके बिना तो पीडी, इसके बिना हीट होती नहीं है। हमारा पूरा सिलेबस किसके लिए है, आइडियल गैस के लिए, वहां क्या इक्वेशन, पीवी इक्वल टू एनआरटी, बाएं तरफ कोई चेंज, राइट साइड में कोई चेंज करेगा तो लेफ्ट साइड में चेंज करना पड़ेगा, बिल्कुल। तो पीडीबी किसमें शिफ्ट हो गया, एनआरडीटी में। अरे यार, इससे सुंदर बात क्या हो सकती है यार मेरे भाई, दिस इज एन, तो जहां था पीडीबी वहां क्या कर दे, एनआरडीटी। देख तू ये काम कर, डीटीएन काट दे, ये सीपी बराबर सीबीआर की तरह फॉर्मूला आ गया, सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर, ये ले फॉर्मूला आ गया, बिल्कुल बोल है ना, यस, सिंपल सी कहानी है भाई। तो डियर, ये मैंने कहा ना, क्वेश्चन कराना हमारा मकसद नहीं है, केवल हमारा मकसद है टोपी को लपेटना। ये कोई अहम नहीं है, अहंकार नहीं है, घमंड नहीं है, ये एक शिक्षक होने का अनुभव है कि यदि गुरुनीति के सीएलसी के 180 वीडियो को लड़का कम से कम 5 बार देख लेता है तो 640-650 नंबर वो आराम से ला सकता है, मैं विश्वास ला सकता हूं, बिल्कुल ला सकता है, 5 बार कम से कम। लेकिन ईमानदारी से, जिस ईमानदारी से हम लोग खड़े हैं, तो हम कहीं आलस नहीं कर रहे हैं, कोई आलस नहीं कर रहे हम लोग, जहां हमें मैटर मिल रहा पूरा मैटर देने की आपको कोशिश कर रहे हैं। अब आप क्वेश्चन पे आ गए, बात पूरी, अगले पे आ जाओ, आज आप पुत्र वही है। अगला कहता है जल की वाष्पन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइज्ड वाटर 2240, ये एल होती है, कितनी है 2240 जूल पर ग्राम, पर ग्राम है ना, एक ग्राम के लिए, एक ग्राम के लिए। अब एक बात, लड़का कैसा 2240 कहां से आ गई, हमें तो आपने पढ़ाई थी 540 वो कैलोरी थी, कैलोरी 540 कैलोरी होती है, उसको 4.2 से गुणा कर ले कितनी आती है। अब कहता यदि एक ग्राम जल के प्रसार में, जल के प्रसार में किया गया कार्य कौन होगा, डीडब्ल्यू, कितना है 168 जूल, तब
इंटरनल एनर्जी में कितनी वृद्धि होगी, तो कॉमन सेंस की बात जान दो। ये इसकी लेटेंट हीट है, यानी ये हीट इसके पास है। और एक ग्राम जल है, कार्य कितना हुआ 168। तो इंटरनल एनर्जी की बात करें तो आप जानते हो दोस्तों dQ equal to क्या है, dU plus dW। तो दोस्तों dU बराबर क्या आएगा, जब बोलना dQ minus dW plus। तो dQ कितना है 2240 है अगले के पास, कहां से लेटेंट हीट से। ये हीट कहां से आई, लेटेंट हीट से। तो 2240 में का माइनस कर दो 168, तो 2240 में से 168 का माइनस करो तो आपके दो बचे, और आपके 13 में से 6 गए तो 7 बचे, और ये आपका 0 और ये बच गया 2072 जूल का आंसर आ गया। तो इस प्रश्न के खास विशेष बात नहीं थी, इसमें एक बात ध्यान रखना, जो लेटेंट हीट थी वो इस सिस्टम को दी गई हीट है, dQ बराबर dU plus dW। हाँ, एक मुद्दे की बात थी, प्रसार हुआ, प्रसार देखो एक मिनट पेज खाली करना, अब तो देखो दोस्तों W का मास्टर फॉर्मूला होता है W इक्वल टू PdV, और ये मेरा मास्टर फंडा है। dV का मतलब होता है V फाइनल माइनस V इनिशियल, फाइनल ज्यादा है पॉजिटिव हो जाएगा, फाइनल कम है तो नेगेटिव, फाइनल ज्यादा है इसका मतलब फैला, फाइनल कम होगा इसका मतलब दबा, ओके डियर थैंक यू। मैं चाहता हूं किशोर कि मैं हिंदी के शब्द काम लेता रहूंगा तो इंग्लिश शब्द काम, क्योंकि बच्चे दोनों मीडियम के होते हैं आजकल, तो हम चाहते हैं कि दोनों इस शब्दों को, ताकि बच्चों के लिए भी एक बात सही हो जाए। आगे चलो, अरे वाह, फिर लाडला प्रश्न, यस ध्यान से बैठ जाए। ग्राफ पी और वी के बीच है, तो P और B के बीच जो साइक्लिक प्रोसेस है ना, साइक्लिक नहीं सॉरी दो स्टेप है, A से B जा रहा है। एक बात सुन ले भाई, DU तो फर्स्ट का बोल चाहे DU सेकंड का बोल बराबर होगा, पहली बात तो ये बिल्कुल। A से B तो किस रास्ते जाता है इससे DU पथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो अगला क्या कहता है, dQ बराबर dU plus dW। प्रश्न पढ़ो क्या कहता है, कोई सिस्टम है A से B तक गया, आंतरिक ऊर्जा बराबर है, बराबर हो गया, बट ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है। हाँ, ये किसी आगे वाला क्वेश्चन, इसको पूरा कर दूंगा। हाँ, अगला पूछेगा बताओ इसमें dQ में क्या संबंध है। तो देखो दोस्तों, ये जो एक नंबर पथ है इस पे तो इसके द्वारा घेरा गया है, एरिया इतना है, इतना कार्य करना होगा, लेकिन जो दो नंबर पथ है उसका इतना कार्य हो गया, तो कॉमन सेंस की बात है dW2 ग्रेटर देन dW1। जा मेरा क्लास तो सारा बिटा दूं, देखो इस एक नंबर पथ के नीचे कार्य इतना है और एक्सपेंशन है तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है वो दोनों पॉजिटिव है, ये भी चलता है। और इसकी बात करें तो सारा है, तो कॉमन सेंस की बात एरिया बड़ा है, तो दोस्तों dQ1 बराबर dU plus dW1, dU के 1-2 की आवश्यकता नहीं है, तो कॉमन सेंस की बात है W ज्यादा है वह dQ भी ज्यादा है, और W ज्यादा है 2 का ज्यादा है, इसलिए दोस्तों संबंध बना दो dQ2 ग्रेटर देन dQ1। ये एग्जाम में ये क्वेश्चन होना चाहिए, ये होना चाहिए, रियल क्वेश्चन ये है। बिल्कुल आगे चलो, एक आदमी आई ए एफ पे जा रहा है, एक आदमी आई से एफ पे जा रहा है, एक आदमी आई सी एफ जा रहा है, तो मैं मुझे नहीं पता क्या पूछता, मैं कहता हूं डी यू आई ए एफ इक्वल टू डी यू आई बी आई एफ आई एफ आई एफ और DU ICF बराबर बोल। हाँ ना, एग्री हो गया क्या, बिल्कुल सेम। सुन सुन, एग्री हो गया मेरी बात से, पथ किसी से जाओ इनिशियल माइनस फाइनल, तो U का तो चैप्टर खत्म हो गया, तीनों बराबर है, बराबर है। अब ये क्या कहता है, अब एक बात और सुनना, तो IAF जा रहा है तो इसके द्वारा कवर्ड एरिया, इसके द्वारा कवर्ड एरिया, तो एक बात सुनना, ये एरिया ये तो घट रहा है, ये तो क्या है नेगेटिव, नेगेटिव ये क्या है पॉजिटिव, तो बड़ा कौन है पॉजिटिव, इस पथ पे कार्य क्या होगा पॉजिटिव, इसमें ये तो क्या है पॉजिटिव, ये देखो सुनो सुनो, यहां से यहां पे तो कार्य क्या है पॉजिटिव, और यहां से क्या है नेगेटिव, यहां पर कार्य क्या है नेगेटिव। तो डीएस सीरीज की बात है, इस पथ पे कार्य पॉजिटिव है, इस पथ पे कार्य नेगेटिव है, और उस वाले पे जीरो है, जीरो क्योंकि ये बिल्कुल समायति प्रक्रम है, आइसोमेट्रिक प्रोसेस है, याद है ना, समायति प्रक्रम में कार्य नहीं किया जाता है। अब क्या कहता सुन, वो कहता है गैस के द्वारा अवशोषित एब्जॉर्ब्ड हीट के बारे में, अवशोषित का मतलब एब्जॉर्ब्ड हीट, एक मिनट dQ बराबर dU plus dW, इसका तो रोल है ही नहीं, डी तो जीरो है, उष्मा ले रहा है वो कहां होगा, जहां dW ज्यादा होगा, एक मिनट पॉजिटिव, dW पॉजिटिव, यस पॉजिटिव, पॉजिटिव कौन से पथ पे है, ए वाले पथ, आई ए एफ पर है, तो क्या कहता है तीनों प्रक्रम में समान है नहीं ना,
एक और दो में समान है? नहीं है, नहीं है। एक में दो से अधिक है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक तीन में समान, एक में दो से अधिक है, ज्यादा है। देखो इस पद को इसने एक कहा है पूरा, इस पद को दो कहा है, इस पद को तीन कहा है। तो यहाँ तो आपका कार्य क्या है? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव हो तो ये तो देखो यहाँ तो डीयू से कुछ नेगेटिव हो गया, यस, तो डीक्यू कम हो जाएगा, और यहाँ डीयू कुछ जुड़ गया तो डीक्यू ज्यादा हो गया। तो कॉमन सेंस की बात है कि डीक्यू ज्यादा है किसमें? फर्स्ट बात है, बात समझ रहे हो? डीक्यू इक्वल टू डीयू प्लस डीडब्ल्यू, ठीक। आगे चलिए, ये भी दो सेम क्वेश्चन। एक बात यार, इसको पढ़ने से पहले अक्सर लड़के इसमें कंफ्यूज, लीटर कोई मात्रक नहीं है रे, 10^-3 मीटर क्यूब है, और एक सीसी, सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब होता है, कि 10^-6 मीटर क्यूब चेंज करना सीख लो भैया, क्यों ये अक्सर काम आता है, काम नहीं। हाँ, लीटर का मात्रक ही नहीं है, भी नहीं, लीटर कोई लीटर नहीं है, वॉल्यूम का या तो मीटर क्यूब होता है या सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो एक सीसी का मतलब होता है, सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब, एक सीसी का मतलब है 10^-6 मीटर क्यूब, और जहां के लीटर लिखा हुआ हो वहां 10^-3 मीटर क्यूब करना है बस। और ये देखो किलो पास्कल, किलो पास्कल का मतलब है कि के का मतलब होता है 10^3, ये सब काम है। आजा क्या कहता है वो देख, हीट एनर्जी अब्सॉर्ब्ड बाय ए सिस्टम इन गोइंग थ्रू साइक्लिक, ये साइक्लिक प्रोसेस है। और लड़के तो डीयू तो क्या हो गया? जीरो। तो अब इसको डी क्यू बोल चाहे डीडब्ल्यू, बात एक ही है, डी क्यू बोल चाहे डीडब्ल्यू बोल। अच्छा, चक्कर दिखाई नहीं, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो आपको इसको एरिया निकालना है। तो दोस्तों किसी भी साइकिल का एरिया निकालना है तो एक रेडियस ये, एक रेडियस ये, तो वैसे पाई आर स्क्वायर होता है, पर ये आंकड़े अलग है, अलग है, इलिप्स जैसा है, उसको बढ़िया कहेंगे पाई आर वन आर टू, बोला है ना? बिल्कुल। पाई आर वन ये मान ले, ये 1 किलो पास्कल है, ये 3 किलो पास्कल है, दो तो कितना बचा? 1 किलो पास्कल, तो 10^3, ये कितना है? 10^30, कितना बचा? 20, 20 का आधा कितना हुआ? हेलो, ये 30 तो 10^20 है, ये व्यास आधा कितना हुआ? 10 सीसी, 10^-6 तो 10^4, तो पाई गुणा 10^-2 जूल आंसर आ गया। बिल्कुल। पीवी, पी और वी के बीच खींचे गए कर्व को इंडिकेटर कर्व कहते हैं। पीवी के द्वारा जो कवर्ड एरिया है वही किया गया वर्क है, ओके डियर। साइक्लिक प्रोसेस है तो साइक्लिक प्रोसेस हो गया। अब यहां वी फाइनल ज्यादा है तो डीडब्ल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, वी फाइनल कम है तो डीडब्ल्यू नेगेटिव हो जाएगा, और डीयू का पास से कोई लेना देना नहीं होना, नहीं है। आगे चल पुत्र, क्वेश्चन नंबर 1 ये आ गया। देखो सुन पुत्र, वो कहता आइडियल, एक बात सुनो, हमारा सिलेबस किसके लिए है? आइडियल के लिए है। आइडियल गैस ए से बी पे गई, पीवी डायग्राम हो गया, वर्क डन। तो कॉमन सेंस की बात है, इसके नीचे खींचा गया ग्राफ, तो रूल ये कहता है इसके द्वारा कवर्ड एरिया है वो ये है। तो इसमें दोस्तों एक तो ये एरिया, एक ही एरिया, लेकिन इसका एक सीधा फंडा होता है 1/2 पी ए प्लस पी बी वी बी माइनस वी ए। ये तरीका क्या है? जब भी दोस्तों ऐसी कोई लाइन आ जाती है, ध्यान सुनना, तो आप ये जो है इनका जोड़ कर लो और इसका डिफरेंस कर दो। आपसे ये तरीका बताओ कैसे आएगा? इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो, दोनों एरिया जोड़ो, बात वही आएगी। आपको तैयारी करने कॉम्पिटिशन की समय नहीं है, तो सीधा सीधा कहेंगे कि 1/2 पी ए प्लस पी बी मल्टीप्लाई वी बी माइनस वी ए। एक्चुअली ये बन गया आपका एरिया ऑफ रोम्बस, यानी जो था ना समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज हो गया। हाँ। कहने का मतलब ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, अदरवाइज तो बार बार एक बात कह रहे हैं, पी और बी के बीच जो कर्व है उसके द्वारा कवर्ड एरिया है वो वर्ग के बराबर शो करेगा। आगे चलो पुत्र, अब देखो दोस्तों कई सारी चीजें हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोमेट्रिक प्रोसेस और आइडियामेट्रिक प्रोसेस, चारों एक साथ बात करें, पेज खाली कर, चारों पेज खाली कर, 1, 2, 3 और 4, 4 ले भैया, नाम लिख फटाफट, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल जहां टी कांस्टेंट, कांस्टेंट आइसोबारिक, बारिक जहां पी कांस्टेंट, आइसोरिक जहां वी कांस्टेंट, आइसोमेट्रिक आइडियामेट्रिक आइडियामेट्रिक प्रोसेस जहां डी क्यू बराबर 0। क्लास अब शुरू हुई है, हाँ आपकी बात, पार्ट टाइम शुरू हुई है, टी कॉन्स्टेंट
समतापी प्रक्रम, समतापी आइसोथर्मल, टी कांस्टेंट समतापी प्रक्रम आइसोथर्मल, पी कांस्टेंट समतापी आइसोबैरिक, वी कांस्टेंट समायतनी आइसोकोरिक, और डी क्यू जीरो का मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस। साथ साथ कहता टी कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है इसका मतलब पीवी इक्वल टू क्या है एनआरटी, एनआरटी तो ये टी कांस्टेंट हो गया, ये सब चीज कांस्टेंट होगी तो आप क्या कहोगे पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। इधर आ जाओ, पीवी इक्वल टू क्या है उत्तर एनआरटी, पी कांस्टेंट है तो आप क्या कहोगे वी प्रोपोर्शनल टू टी, वी प्रोपोर्शनल टू टी। इधर आपका क्या है वी कांस्टेंट, फिर वही बात कर पीवी इक्वल टू एनआरटी, v कांस्टेंट है तो p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, और ये dq बराबर 0 है तो दोस्तों अपन जानते हैं dq बराबर 0 है तो आप जानते हैं कि du + dw इक्वल टू 0। और बातों-बातों में ये किसका नियम है, बॉयल का नियम है, चार्ल्स का नियम है, गिलुसिएव का नियम है, जिनकी बातें हम कल्पना कर चुके हैं। अब एक बात ध्यान सुनो, p और v के बीच आप कर्व खींचोगे तो आप जानते हो ऐसा कर्व आएगा, V और T के बीच कर्व खींचोगे तो आप जानते हो कि ऐसा कर्व आएगा, और P और T के बीच कर्व खींचोगे तो ऐसा कर्व आएगा। ठीक है डियर, यहां एक सुंदर बात कहूं रुको मैं, ये कर्व ऐसा तब आता है जब ये होता है केल्विन, केल्विन यदि ये डिग्री सेल्सियस में हो जाए तो कर्व ऐसा आएगा, तो वो तो वहां जाके मिलेगा कहां माइनस 273 पे। हां यस, बड़ी सुंदर चीज है, यदि टी केल्विन में है तो ये, बट एक बात सुने ना रे, ये कभी इसके टच नहीं करता है, तो जीरो केल्विन पॉसिबल नहीं है, लेकिन डिग्री सेल्सियस में आ जाए तो पॉसिबल तो ये नहीं, तो फिर कर्व जाके कहां जाएगा माइनस 273 पे। ये धारणा चीज का भैया, तो डियर ये आपके सामने कुछ बात हुई। अब इसमें इसका जो एरिया है वो किसको बता रहा है वर्क, ये वीटी कर्व, लेकिन धारणा इंडिकेटर कर्व कौन सा है पीवी है। ओके डियर, अब अपन एक एक पे बात शुरू करते हैं। सबसे पहले समतापी प्रक्रम क्या होता है, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब dq बराबर du + dw। अब मेरी सबसे सुंदर चीज, जब ताप कांस्टेंट है तो dT जीरो है, और dT जीरो है इसलिए du जीरो है, वहां सारी की सारी हीट है वो कहां कन्वर्ट होती है वर्क में। सुन ले भैया, आइसोथर्मल प्रोसेस t कांस्टेंट, t कांस्टेंट है तो t का चेंज क्या हो गया जीरो, dT जीरो। और अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया आपको du का तो एक ही दुनिया में फॉर्मूला है, सुन ले रहे dv yes. का दुनिया में एक ही फॉर्मूला है ncv dt, यस dT जीरो du जीरो dq बराबर dw। अब एक बात आती है दोस्त यहां कि तू समतापी प्रक्रम है तो p और v के बीच तो कर्व खींचेगा, तो ये कर्व की स्लोप है, यस ये स्लोप किसको शो करती है, यहां एक शब्द आएगा समतापी प्रत्यास्थता, यस p के बराबर होती है, यस बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी कैसे बताओ, अच्छा और पूरी बात जो बताया गया, देख p dv + v dp = 0 क्यों होता है बच्चों, यस यस ऐसे गुणा होता है ना, तो p को रखो v का अवकलन करो, v को रखो p का इंटीग्रेशन 0 कर दो, अब तेरे सामने p dv = क्या है माइनस v dp, तो व्हाट इज p माइनस v dp / dv। और मैं सुंदरता के लिए इसमें बात कर दूं, इस dp को तो ऊपर ले तो नीचे क्या बच गए dv / v, अरे यार ये प्रतिबल / विकृति नहीं हो गया क्या, स्ट्रेस / स्ट्रेस / स्ट्रेन हो गया ना वॉल्यूमेट्रिक वाला, तो स्ट्रेस / स्ट्रेन क्या होता है इलास्टिसिटी माइनस, इस बात को इंडिकेट करता है कि ये तो नेगेटिव नेगेटिव है, तो ये अपने आप में किसको शो कर रहा है इलास्टिसिटी को, बल्क मॉडुलस ऑफ, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि समतापी प्रक्रम में दाब ही प्रत्यास्थता है। हेलो, इन आइसोथर्मल प्रोसेस में आप चाहे इलास्टिसिटी कहें चाहे प्रेशर कहें, और मैंने तेरे को पूरी बात समझा दी है, यस डीपी कौन है प्रतिबल, प्रतिबल हाँ, ये कौन है स्ट्रेस / स्ट्रेन, अरे हर चीज क्लियर कर आपके लिए यार, ये सामने पूरा आ गया भैया। ओके डियर, तो ये कुछ चीजें थी, अब इसमें कार्य कितना होता है उस पे मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना करूंगा, एन आर टी लॉग ई आधार वी फाइनल / वी इनिशियल, या डब्ल्यू इक्वल टू 2.303 एन आर टी लॉग ई वी फाइनल / वी इनिशियल टेमोस। ओहो टेन 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 टेन, और सुन ले रहे केमिस्ट्री का मेरा साथी ठीक उल्टा पढ़ाएगा,
केमिस्ट्री उल्टा होता है, ध्यान सुन ले भैया, W इक्वल टू एन आर टी लोग ए बी, सुन ले लोग ई बेस को लोग टेन बेस चेंज करें तो 2.303 गुणा करते हैं। एक बात तू जानता है, B इनिशियल इक्वल टू B फाइनल, तो व्हाट इज B फाइनल बटे B इनिशियल है, B इनिशियल बटे B फाइनल, आप चेंज करना चाहो चेंज कर दो। किसका फॉर्मूला हो गया पुत्र, फॉर्मूला हो गया डी यू यहाँ पर क्या है जीरो, डीडब्ल्यू का फॉर्मूला आ गया किसके बराबर हो गया डी क्यू के बराबर, प्रत्यास्थता क्या होगी एसिडिटी क्या होगी पी के बराबर, बिल्कुल के बराबर होगी प्रेशर हो गया, फिर बिटा दू यस, ये कौन हुआ आइसोथर्मल प्रोसेस। अब अपन आजा आइसोवोलूमेट्रिक पे, आइसोमेट्रिक बोल दो समायतन प्रकरण आ जाए, डी डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, तो तेरे सामने dW हमेशा क्या होता है dDV, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो dV क्या हो गया जीरो, तो dW जीरो, तो यहां जो तेरी dQ है वो सारी चेंज किस में होगी dU में, और dV क्या होती है NCVDT, तो dQ NCVDT एक ही बात है, वर्क यहां पर क्या है जीरो, यस ठीक है डियर। और यहां यदि तू P और T के बीच कर्व खींचेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, यस यस, P और T कर्व खींचेगा तो कैसा करवाएगा, ऐसा करवाएगा, बिल्कुल सीधी सी बात है। और यदि तू कर्व है यहां P और V के बीच खींचेगा तो कैसे आएगा, ऐसा कर्व आएगा, बात एक ही है, स्लोप इसका स्लोप अनंत हो गई, यस यस यस, स्लोप क्या होगी अनंत हो गई, तो प्रत्यास्थता भी क्या होगी बिल्कुल अनंत हो गई, डीवी जीरो है, डीवी जीरो है, कैसे कैसे कैसे, क्या है इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ये थी माइनस डीपी अपॉन डीवी बाई वी, डीवी बाई वी, डीवी क्या है जीरो, तो ये क्या बन गया अनंत। तो सुने समतापी प्रोसेस, आइसो समतापी हाँ यस यस, समतापी प्रक्रम में प्रत्यास्थता किसके बराबर हुई प्रेशर के बराबर, समतापी का मतलब आइसो थर्मल प्रोसेस, थर्मल में क्या हुई प्रेशर के बराबर, ये है आइसो मेट्रिक मेट्रिक समायतनी प्रक्रम में इलास्टिसिटी किसके बराबर हुई इनफिनिटी के बराबर, बोल हाँ आना यस, ए मिटा दिया। अब तू समतापी प्रक्रम में आ जा, आइसो बैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस केवल बताओ कहां होता है, जब फेज कन्वर्जन होता है, बिल्कुल एक बात सुनो रे, फेज कन्वर्जन में आइसोथर्मल और आइसोबैरिक दोनों एक साथ पालना होती है, और बेरी एक ट्रिक है, अवस्था परिवर्तन फेज कन्वर्जन एक वह है जो समतापी और समदाबी, आइसोथर्मल एंड आइसोबैरिक दोनों की एक साथ पालना करता, बिल्कुल फॉलो करता है, सीधी सी बात है, इसके अलावा ऐसा कोई सीन नहीं है, आइसोथर्मल आइसोबारिक समतापी और समदाबी दोनों की पालना एक साथ, एक साथ, तो डियर यहां सब कुछ, यहां जीरो कुछ नहीं होगा भाई, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, यहां जीरो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन प्रत्यास्थता की बात करें तो तेरे सामने सामने प्रत्यास्थता क्या है वो जीरो हो जाएगी, डीवी बटे जब पी कॉन्स्टेंट है तो डीपी क्या है जीरो, तो प्रत्यास्थता क्या होगी जीरो, बहुत प्रेक्ट सुनर है, आइसोथर्मल समतापी प्रक्रम की इलास्टिसिटी है प्रेशर के इक्वल, प्रेशर के इक्वल, एडियाबेटिक में होती है गामा मल्टीप्लाई प्रेशर के बराबर, आइसोमेट्रिक में होती है इनफिनिटी, आइसोबैरिक में क्या हो जीरो जीरो, उंगली पे आगे सर, बिल्कुल ओके चलो, अब आते हैं अपन आइसो बैरिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है भैया, डी क्यू बराबर जीरो, तो डी क्यू बराबर जीरो, तो डी यू इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू, इसकी जो इलास्टिसिटी है वो क्या है माइनस गामा मल्टीप्लाई पी है प्रेशर। अब एक बात सुन ले, कोई भी प्रश्न हो, एडियाबेटिक डेटा इक्वल टू गामा मल्टीप्लाई आइसोथर्मल डेटा, बिल्कुल पी एडियाबेटिक इक्वल टू गामा पी आइसोथर्मल, कुछ भी हो सब कुछ मास्टर चाबी है, रुद्रोष्टम बराबर गामा गुणा समतापी के आंकड़े, रुद्रोष्टम के आंकड़े बराबर गामा गुणा समतापी के आंकड़े, डेटा ऑफ आइडियाबेटिक इक्वल टू गामा मल्टीप्लाई डेटा ऑफ आइसोथर्मल, लगा मास शूटिंग साथ यार, यस ये तेरे सामने सारा सीन हुआ। एक बात यहां और करना चाहेंगे, आइडियाबेटिक प्रोसेस की रिपीट हो रहेगी यार, पीवी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दूसरी क्या है टीवी, टीवी गामा माइनस वन, गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तीसरी क्या है आपको याद करनी पड़ेगी, हम टीचर है देखे लिख देंगे, आप एग्जाम तो देखे लिखोगे, तीनों इक्वेशन आपको याद कर लो। एक बात और सुनना, एक सिस्टम है आइसोथर्मल और एक सिस्टम है एडियाबेटिक, इनमें दोनों में बताओ फर्क क्या है, ये आइसोथर्मल है यानी यहां टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है, तो इस कंटेनर की दीवारें वो क्या होना चाहिए कंडक्टिंग, प्रोसेस क्या होना चाहिए धीरे धीरे, सुनो ये अचानक हो
और दीवारें इंसुलेटिंग, बस दो बड़े फर्क हैं। यहां आपको ना हीट दे सकते हो हीट ले सकते हो, तो या तो इतना तेज कर दो प्रोसेस को कि लेने देने का समय नहीं मिले, या दीवारें कुचाल कर दो। यहां क्या है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, यानी अन्य कोई भी काम कर रहे हो जिस काम से बढ़ता टेम्परेचर वो दीवार के थ्रू बाहर चला जाए। तो याद कर लो स्लो प्रोसेस, तापी आइसोथर्मल में कंडक्टर हो दीवारें और स्लो प्रोसेस है, एडियाबेटिक की दीवारें इंसुलेटर हो, रैपिडली प्रोसेस अचानक हो गया, एकाएक हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, एडियाबेटिक हो गया। ये आपके तीनों फॉर्मूले हैं जो काम आएंगे। यस, ये रेडियर बात होगी, मोटा मोटा काम उसमें पूरा। मजा आ गया बात, आया मजा। इस वीडियो को एक बार आप रिवर्स करके दोबारा देख लीजिए और आंख बंद कर रिवाइज करें, फिर देखो बात मजे यार आनंद आता है, ऐसे क्या है। चलो एक बात आपको और कह देते हैं, आप भी क्या देखोगे। आपने कहा कि आइडियाबेटिक प्रोसेस में डी की इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी डब्ल्यू। आइडियाबेटिक डी की गलती कर दी, डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या है, माइनस डी यू। बिल्कुल है, तो एक बात तो रुको मैं, डी यू क्या होता है, एन सी वी, एन सी वी डी टी बोल है ना। यस, डीवी क्या होता है, एन सी वी डी टी। तो डी डब्ल्यू का मान क्या आ गया, माइनस एन सी वी डी टी। यस, अब एक बात और बता मेरे को तू, एन सी वी डी टी को अपन चेंज करना चाहिए तो कैसे करेंगे। बिल्कुल, इसको अपन एफ में या सी आर अभी कर लेते हैं, अभी कर देते हैं अभी। एन एफ सी वी क्या होता है, एफ आर बाई टू, एफ बाई आर टू डी टी। बिल्कुल, थोड़ा और बोल रहे पुत्र, और बोल रहे यार, और बोल रहे। अरे एफ बाहर निकाल, टू बाहर निकाल, ये तेरा कौन बच गया रे, माइनस एफ बाई टू पीडीवी, पीडीवी। अब आगे चल तेरा, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या है, माइनस F by 2, PDV क्या होगा, V, V final minus V initial, V final minus V initial multiply क्या हो गया, तो इस तरह से आपने questions को काम आएगा अपने questions कहने आते रहते हैं। तो ये आपकी कुछ सुंदर चीजें हैं जो हमारे कहीं ना कहीं काम आती रहती हैं। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि फॉर्मूला नहीं है, क्वेश्चन की आवश्यकता है, क्वेश्चन की आवश्यकता के अनुसार आप इन फॉर्मूलों को डियर आगे पीछे चेंज करते रहें, तो ये फॉर्मूले आपके अपने आप डियर आगे पीछे चेंज होते रहते हैं। चल पुत्र भगवान, अगला क्वेश्चन निकाल ले अपना, अगला क्वेश्चन क्या है, आ जा भैया। ये था, हो गया था, बिल्कुल हो गया ना, पीछे ध्यान दिया, उसको टिक मारना पड़ेगा, पीछे 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 एंड पीछा बेटा, टेन टेन ई टी, ये रहा वी टू करते, ओके डियर। आगे चल, ये क्वेश्चन आगे थे, बिल्कुल कौन सा संबंध सही है, सही है तो बता कौन सा संबंध सही होगा, निकाल दे इसको, उल्टा लिखा ना, क्या फर्क पड़ता है उससे, ठीक है पहले कर लिया, क्या फर्क पड़ता है, तीन फॉर्मूले हैं लिख दिया आपको हमने, ये सही हो गया आपके सामने। आगे चलो, अब इसमें क्वेश्चन आ गया देख। यस, अब ये क्या कहता है कि डायएटॉमिक गैस है जिसका गामा 7.5 है, इसकी डेंसिटी और प्रेशर पी डी पी डैश डी डैश है, तो डी डैश बाई डी 32 हो तो पी डैश बाई पी क्या होगा, एक काम कर पेज खाली कर दे। देख डियर, अभी पढ़ाया तेरे को मैंने, पीवी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ध्यान दे क्लास। अब तू जानता है पी वन वी वन गामा इक्वल टू पी टू वी टू गामा, लेकिन दोस्त वी नहीं दिया, रो दे दिया, तो अपन जानते हैं घनत्व क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास तो सेम है, आप जानते हो ना, ऐसे इन सारे सिलेबस में गैस पे जब काम करते हैं तो एक बार प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद आप गैस का अमाउंट चेंज नहीं कर सकते, जब अगर नहीं कहे हाँ, अगला वाल खोल के करने की बात है, ये सारा काम बंद पात्र में होता है। ओके, तो तेरे सामने सामने पी वन जहां लिखा हुआ है वी, वहां क्या लिखेंगे, एम बाई डी, बिल्कुल, तो m by rho एक ही बात है, m by rho gamma equal to p2 m by rho rho one, ये rho one, rho one, ये rho two, rho two की पावर gamma m m cancel out कर दो। अब देखते हैं सामने क्या आया, p1 upon p2, p1 upon p2 equal to gamma one upon gamma two की पावर, sorry rho, इसको मैं rho कहेंगे, हाँ rho one upon rho two की पावर gamma, yes बड़ा क्वेश्चन बड़ा, एक मिनट जरा, क्वेश्चन साफ कहता है d dash upon d two है, टू बाई डी वन 32 वापस आ जा, तो इसका मतलब ये है, ये तो अपना 1 बाई टू है, वो 2 बाई 1 है, ध्यान से सुन रहा है, वो क्या 32, तो 1 बटा 32, गामा कितना है 7 बटा 5,
अब बच्चों वो मेडिकल वालों डांस देखना रहे, यहां एक प्रॉब्लम आपके सामने आएगी, यहां आपके हाथ पांव फूल जाते हैं कि साहब ये कैसे करें, ये ऐसे होता है। 32 लिया रहे, यस 32 की पावर आप 1/5 करके वापस आप साफ करो, देखो 2, 4, 8, 16, 32 पांच बार गया ना, तो 1/2 हो गया है, तो 1/2 की पावर 7, 7 फिर वही 2, 4, 8, 16, 32, 64, 28, 128 निकाल बेटा। तो दोस्तों हमने निकाला पी वन बाई पी टू 1/128 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 128। कोई दिक्कत नहीं, आप किसको 1-2 करते हो तो किसको डिपेंड करता है। आगे चलिए, बिल्कुल ये है गैस की दो स्पेसिफिक हीट सीपीसीवी गामा है, रुदोष्व और समतापी ये रह रहा मल्टीप्लाई गामा अभी का मैंने, बिल्कुल स्लोप ऑफ एडियाबेटिक इक्वल टू गामा मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ आइसोथर्मल ना फंडा है, डेटा ऑफ एडियाबेटिक इक्वल टू गामा मल्टीप्लाई डेटा ऑफ आइसोथर्मल। मास्टर अभी भैया अपने पास, तो आगे से पुत्र ये अपना लाडला प्रश्न आगे, 18 डिग्री टेम्परेचर पे कोई डायटोमिक गैस है, इसको आइडियाबेटिक प्रोसेस से क्या किया आपने, कंप्रेस किया है, तो वॉल्यूम जो एक था उसको 1/32 कर दिया, तो आपके कंप्रेशन के बाद टेम्परेचर क्या है, यानी टी और वी, सुनो भाई पहले टी कितना है 18, वी कितना है वी, अब टी कितना हो गया निकालना है, वी कितना हो गया वी बाई 32, तो टी और वी का संबंध क्या है, बोल टीवी गामा माइनस वन, टीवी गामा माइनस वन पता है ना, यस टीवी ये क्यों लिया मैंने, मेरे को टी दे रखा है, टी वन दे रखा है, टी टू पूछ रहा है, मुझे वी वन दे रखा है, तो इसके वन लगाऊंगा अपना, तो वही तरीका जो बदलता है उसके पीछे 1-2 लगा दो, पूछ चाहिए क्या तेरे को टी टू, यस तो टी टू क्या है, टी वन वी वन अपॉन वी टू की पावर माइनस वन, टी वन कितना है 18 डिग्री, चेंज कर फटाफट 273 और 18 कितना हुआ 11, 8, 1, 9 फिर वही क्वेश्चन आ गया, अब 32 का 1/5 क्या होगा 2 की पावर 5 कैंसिल, तो क्या हो गया 2 की पावर 7 क्या होता है 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 यस ये तो गड़बड़ हो गया मामला, ये तो गड़बड़ हो गया, डेटा चेंज हो गए चलो छोड़ो इस क्वेश्चन, छोड़ देते हैं भाई, एक डाटा सही नहीं है, आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे कर देते हैं, बट ओके कर लेंगे बच्चे से पूछ कर लेंगे, आगे चलो क्वेश्चन 14 पे आ जाओ, गामा 2.5 की गैस है, इनिशियल ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन गड़बड़ था, बिल्कुल था बुझना उसको, इनिशियल वॉल्यूम 1/8 कर दिया, तो पी डैश का मान कुछ सिंपल सा है, पी वन वी वन गामा इक्वल टू पी टू वी टू गामा, सीधी बात है, गामा क्या है ढाई वाली गैस है कोई, yes. हो जाएगा, और इनिशियल क्या है वॉल्यूम वी है, हाँ. फिर क्या कर दिया वी बाई एट, देखो डी एट आपको क्या निकालना है, पी डैश बराबर होगा मतलब 2 निकालना है, ये 2 को डैश कह रहा है, ओके तो तेरे पी टू निकालना है ना, तो व्हाट इज पी टू, पी वन वी वन बाई वी टू की पावर गामा, ये खाली करना बेटा, अब खुद देखो दोस्त पी वन को ये पी कहता है, किसको निकालना बेटा, एक मिनट V1 तो वापस आठ V है, क्वेश्चन कार्ड पेपर वापस मेरे को 8 है, तो ये V by 8 ऊपर क्या है 2.25 आ जा, अब आ जा, ये तेरा P2 equal to P 8 की पावर 2.5, yes 8 की पावर 2.5 आंसर निकालना भैया 5/2, अब 8 की पावर 2.5 इसने दिया है, ठीक है डियर, अब 2.5 का ऐसा कोई इसने ऑब्जेक्ट दिख दे रहा अपने को, तो आ गया ना आपका 15/2 वाला, काउंट कर लेंगे इसे, बिल्कुल काउंट कर ले, आजा मैं आजा से करता हूं, P2 इक्वल टू P 8 को क्या कर 2 की पावर 3 तो 3 का मतलब क्या हुआ, ऐसे एक ही बात है, ऐसे कर, अभी मेरे हाथ में नहीं है भाई ऑब्जेक्ट बनाना, मेरे कुछ आजा, तो ये तेरा 15/2 थोड़ा, बिल्कुल अरे पुत्र मैंने कुछ नहीं किया इसमें, मजबूरी होगी आंसर निकालना है, ये इसको काउंट उठाएगा तो 15/2 वो 7.5 बात यही होती है यार, आगे चल,
ये है शानदार ड्यूरिंग एंड एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो लड़के एक्सपेंशन 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 का मतलब डी डब्ल्यू इक्वल टू पॉजिटिव, इसका मतलब डी यू इक्वल टू नेगेटिव। क्यों 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 क्यों? क्योंकि डी यू इक्वल टू होता माइनस डी डब्ल्यू। एक्सपेंशन क्या दिमाग में एडियाबेटिक प्रोसेस के थ्रू एक्सपेंड हुआ, एक्सपेंड कैसे भी ऊपर क्या होगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव रहेगा, तो डी यू क्या है नेगेटिव। बस अगला साफ कहता है डी यू नेगेटिव है, ओ लड़के डी यू नेगेटिव है इसका मतलब डी टी नेगेटिव। बिल्कुल टेम्परेचर डीयू डीटीए की बात है, सुन ले डीयू डीटीए की बात है, डीयू बढ़ती है डीटी बढ़ती है, डीटी बढ़ती है डीयू बढ़ता है, दिमाग मत लगा। बिल्कुल अगला साफ कहता है प्रेशर इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज टेम्परेचर डिक्रीज, तो प्रेशर डिक्रीज तो टेम्परेचर भी डिक्रीज। कैसे? एडियाबेटिक प्रोसेस में तू प्रेशर और टेम्परेचर का संबंध बता मेरे को, क्या है प्रेशर वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर और एक्सपेंशन कर रहे ना पर है पीपी काम कर रहे हैं। हां तो पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट सीधी सी बात है। पी तो तेरे सामने सामने है, पी इनवर्स प्रोपोर्शनल क्या है पी की पावर गामा, कॉमन सेंस की बात है, ये बढ़ता है एक्सपेंशन घटता है, ये घट रहा है, ये यहां से पता लग गया, ये वहां से पता लग गया, तो ये भी घटेगा। जानता हूं क्लास का मैं, एक्सपेंशन है तो DW पॉजिटिव है, yes. DW पॉजिटिव है तो DU नेगेटिव है, DU नेगेटिव है तो DT नेगेटिव है, टेम्परेचर घटेगा, ये बात सही होगी। बिल्कुल अब प्रेशर की बात करें तो PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, P इनवर्स प्रोपोर्शनल V की पावर गामा, yes. और अब खुद का एक्सपेंशन है तो ये बढ़ रहा है, ये कुछ बढ़ती है तो घटती है, इसी बात को आंसर अभी चलो भैया ये एक मेरा मेरा प्रिय प्रश्न है। बिल्कुल देखो क्या कहता है, ये डायटोमिक गैस है उसमें T1 टेम्परेचर पे वो कोई बाहर किस पिस्टन में उसको अचानक स्वतंत्र कर दिया जाए तो एडियाबेटिक से वो T2 तक एक्सपेंड होती है, तो एक्सपेंशन से पहले और एक्सपेंशन से बाद की लंबाई L1 L2 है, फिर खाली कर मैं बताऊं क्या देखो। ये मेरा बहुत प्रिय प्रश्न दोस्तों, ये कोई एक पाइप है और इस पे दोस्तों पिस्टन लगा हुआ धान लास, ठीक है पूरी गैस भरी हुई है, ये मेरा बहुत प्रिय प्रश्न है। अब ये पिस्टन यहां है, अब ये पिस्टन कलर चेंज कर दे, अचानक पुत्र यहां से उठ के यहां चला गया, ठीक है तो पहले इसकी लेंथ क्या थी L1, फिर इसकी लेंथ क्या होगी L2। यहां एक खास बात है, वॉल्यूम इक्वल टू होगा एरिया मल्टीप्लाई L, बट एरिया तो फिक्स है ना, इस क्वेश्चन एक ही बात है, वॉल्यूम को लंबाई से रिप्लेस कर देना। सिलेंडर की जब भी बात आ जाती है, पिस्टन की बात आ जाती है, तो वॉल्यूम एरिया मल्टीप्लाई लेंथ है, तो पिस्टन में पिस्टन का या सिलेंडर का वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते, आप उसमें लेंथ चेंज कर सकते, एक शून्यता इसमें, बस जहां V है ना वहां लगा दो, क्यों V इक्वल टू A मल्टीप्लाई L होता है ना, A कांस्टेंट है, बस ये ले। अब तेरे सामने सामने पहले टेम्परेचर क्या है T1, फिर टेम्परेचर क्या हो गया T2, तो T और V के संबंध क्या होता है TV गामा माइनस वन, तो T1 V1 गामा माइनस वन इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस वन, और मेरी क्लास का श्रेष्ठ फंडा L1 गामा माइनस वन इक्वल टू T2 L2 गामा माइनस वन। बस लड़का कहता साहब V किस गया L कैसे आ गया, इसलिए L आ गया कि पिस्टन ऊपर नीचे होता है तो एरिया चेंज नहीं होगा, केवल L चेंज होगी, L चेंज होने से आपका वॉल्यूम चेंज होता है। ओके डियर इसको मिटा दूं, चलो क्या चाहिएगा कुछ लिखना बेटा, क्या चाहिए तेरे को आ जा T1/T2 जी, तो T1/T2 इक्वल टू L2/L1 गामा पॉइंट वन आ जा, L2/L1 क्वेश्चन वापस, गैस कौन सी है मोनोटोमिक, गामा क्या होता है भैया 5/3, तो 5/3 माइनस एक, तो ए लड़के ए लड़के L2/L1 की घात 2/3 निकाल रहा है L2/L1 L2 पूरी 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 L2/L1 2/3। बिल्कुल दोस्तों जोश के साथ लगाव के साथ होश के साथ किया जाए तो फिजिक्स बहुत आसान है। एक्चुअली दुर्भाग्य क्या है, आजकल का बच्चा बेसिक पढ़ता ही नहीं। हमने आपको बेसिक पढ़ा दिया, कुछ अपना भाग रहे हैं। मैं फिर से बार बार कह रहा हूं, मेरे को पढ़ाना छोड़े हुए 4 साल हो गए, लग रहा है आपको कहीं सब कुछ याद है, क्योंकि मेरे खोपड़े में सेट थे पहले से, हो तो 20 साल पढ़ाया तो सारी चीज सेट दिमाग में, इसलिए टप 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 खड़े हो जाते हैं सारा क्वेश्चन। दोस्तों एक बार मन से सब्जेक्ट तैयार कर लोगे ना कभी नहीं भूलोगे, मेरा डायलॉग है साइकिल बचपन में सीख ली ना तो बुढ़ापे तक उसी बोलता नहीं आदमी, देखा ना भाई कि दादा से बात करो साइकिल चलाने जमाने में आती थी तो बुढ़ापे भी आती है। हाँ प्रैक्टिस कम हो सकती है, कॉन्फिडेंस कम हो सकता है, लेकिन आप साइकिल चलाना नहीं भूलते, सेम कहानी साथ पढ़ाई के साथ है, एक बार कुछ याद कर ली, आपको बचपन में याद था दादाजी को कि हमारी राजधानी दिल्ली है, दादाजी आज भी याद दिल्ली है, यस एक बार मन से याद की चीज
भी बोलता नहीं, बोलता नहीं। आगे चलते, ये हमारा लाडला प्रश्न है भाई, एक मिनट इस प्रश्न को दूं, खाली कर पेज। इस प्रश्न को पढ़ाने से पहले मैं आपको ये एक प्रश्न कराऊंगा, एक कर्व ये, एक कर्व ये कर्व एक नंबर, ये कर्व दो नंबर, ये तेरा पी और ये तेरा वी। दोस्तों एक कर्व इसमें पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट का है और एक कर्व इसमें पीवी की घात गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट का है, एक आइसोथर्मल का है, एक आइसो आइडियोमेटिक का है। अब इसको कैसे करें, तो दोस्तों इसका तरीका होता है, एग्जाम में क्या किया करो, इसके ऊपर आप एक स्लोप खींच लो, इसके ऊपर आप एक स्लोप खींच लो। तो इसकी स्लोप तो देखो ये है और इस लाइन की स्लोप दोस्तों ये है, कॉमन सेंस की बात है, ये स्लोप ज्यादा है, जो स्लोप ज्यादा है वो कौन होता है आइडियाबेटिक। तो ये कर्व आइडियाबेटिक है, ये आइसोथर्मल है, दो कर्व जब भी एग्जाम दिया जाते पैर पर स्लोप खींच लो, बट ऐसे देखो मत यार, स्लोप खींच ली, दो स्लोप ज्यादा है तो आइडियाबेटिक स्लोप जो है वो गामा मल्टीप्लाई क्या होती है आइसोथर्मल। तो कॉमन सेंस की बात है, दो नंबर तो कौन है आइडियाबेटिक, एक नंबर कौन है आइसोथर्मल। आ जा क्वेश्चन, आ जा भैया, तो तेरे सामने सामने ओ ए तो आइसोबारिक है, समझा भी है, कौन सा ओ ए, ओ ए ओ सी, अच्छा इसने पूछा क्या, मुझे ओ सी पूछा क्या, ए ओ सी पूछा है, तो देख ओ सी पूछा है क्या, तो एक स्लोप तो ये और एक स्लोप ये, तो कॉमन सेंस की बात है, साफ साफ दिखाई स्लोप ज्यादा है, दिस इज एडियाबेटिक, एडियाबेटिक बिल्कुल बेसिक बातें होती है यार। आगे चलो, वो आ गया एक लंबा तेरे लिए करूं इसको, देख एक स्लोप तो ये है और एक स्लोप ये है, तो ये स्लोप ज्यादा है, ज्यादा है, yes. दोनों में स्लोप ज्यादा है, तो दो का गामा है, yes. दो का गामा, दोनों आइडियोमेट्रिक, चलिए दोनों आइडियोमेट्रिक है, दोनों आइडियोमेट्रिक है, तो इसका मतलब गामा टू ग्रेटर देन गामा वन, अगला साफ कहा दोनों आइडियोमेट्रिक है, तो गामा टू ज्यादा है। और दोस्तों हम अच्छी तरह जानते हैं, हेलो हेलो, गामा इक्वल टू होता है वन प्लस टू बाई एफ, मोनोटोमिक गामा कितना होता है पांच बटा तीन, डाई कितना होता है सात बटा पांच, गामा ज्यादा है, इसका मतलब उसमें एटम कम है, एटम कम है। अब दो ऑप्शन है, सिंगल एटम और डबल एटम, तो इसमें ये हो गया, तो एक नंबर दो नंबर, ओके दिए। आगे चलो क्वेश्चन 19 नंबर आप करें, हाँ जी बस क्वेश्चन अपना ये है, एन मोल्स ऑफ एन आइडियल डायटोमिक गैस आर इन ए सिलेंडर एट टेंपरेचर टी, ठीक है, एंड टी टेंपरेचर पर हमने एन मोल है वो गैस के, वो गैस भी कौन से हमारे पास है डायटोमिक, उसको अपन ने फिल कर रखा है, ठीक है। Suppose on supplying heat to the gas, its temperature remain constant. Temperature constant रखा जा रहा है, but m mole get dissociated into atoms. इसका मतलब आपने गैस की स्टेट को, इसका मतलब ये अर्थ समझा, मैं आपको मैं जो समझ पा रहा हूँ कि एक पात्र में गैस भरी हुई है, बिल्कुल, इस गैस को आपने हीट दे दी, दे दी हीट, तो गैस टूट गई, बढ़ा दी, तो इस प्रोसेस में नो डाउट को हीट आपको देनी हो रही है, जो आपको निकालनी है, हो जा पूजा पुत्र शुरू होता है। कंटेनर जो आपका है फिक्स है, ठीक है, आप उसमें कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट रहना होगा, तो वर्टन इसमें कितना होगा, जीरो होगा। खास बात ये, इसका मतलब अगर यहाँ पे वर्टन अगर अपना जीरो है, मैं डेल्टा डब्ल्यू को अगर जीरो मानता हूँ यहाँ पर, तो देखें इसमें कि डेल्टा डब्ल्यू अगर हमारे पास यहाँ पर जीरो है, तो अगर अपन लगाते हैं इसमें फ्लोट, ठीक है, तो फ्लोट के क्या कहता है, डेल्टा क्यू बराबर हमारा है डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, अब इसको जीरो कर दिया, ठीक, तो डेल्टा क्यू कितना डी यू है, ठीक है। अब पूछा हमसे क्या कि गिवन हीट कितनी है, अब ये निकालना पड़ेगा बस, अब इस पे काम करते हैं, तो डी यू का मतलब घटना से पहले का डी यू, यस, और घटना के बाद का हमारे पास जो गैस थी पहले एन सी थी डायटोमिक, ठीक है, अब वो ब्रेक हो गई, ब्रेक भी कितने उसके एन मोल्स ब्रेक हुए, जब एन मोल ब्रेक हो चुकी वो तो बन गया आपके मोनोटोमिक, मोनोटोमिक सिस्टम में रहे कितने बाद में,
पहले तो ये तो आपकी कहानी है इनिशियल वाली, ठीक है, उसमें पूरी केस कौन से आपका डायटोमिक है, ठीक है, और फाइनल अपन बात करेंगे उसमें एन माइनस स्मॉल एन, ये तो है मोनोटोमिक डायटोमिक, डायटोमिक है और एन है डायटोमिक, जो मोनोटोमिक अपने पास हो गया वो हो गया आपका कितना स्मॉल है, टू एन, हाँ उसके, हाँ यस, एन मोल परमाणु में टूटे, टूटे एन मोल टूटे तो एटम कितने हो गए, टू है, यस, इतना खेल, अब उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पेज खाली करो भैया, हाँ अब आ जाओ, अब सुनो जैसे हमारे पास पहले तो इससे निकालनी पड़ेगी एनर्जी और ये फाइनली है, ठीक है, अगर अपन निकालते हैं पहले यू इनिशियल, यू हमारे पास है इनिशियल, सिंपल है, एन एफ आई टू लिखो, एन बिल्कुल, एन एफ कैपिटल, हाँ कैपिटल एफ आई टू, एफ गेस देनी पड़ेगी, गेस पांच पांच तो फाइव बाई टू टू आर टी, बस ये इसका इनिशियल है, अब आप फाइनल पे आओ, यस, अब अपन आते हैं इसके यू फाइनल में, तो पहले इसके लिए बनाओ, यस, तो देखो एन माइनस एन माइनस स्मॉल एन फाइव बाई टू, फाइव बाई टू आर टी, आर टी प्लस 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 ये लो देखो टू एन, टू एन और थ्री, थ्री बाई टू, थ्री बाई टू आर टी, अरे यार हो गया तो भाई ये देखो बचे हुए हो गए टूटे हो तो ये घटना के बाद है, आपको फिनोमेना, अब आपको चाहिए क्या, कैंसिल इससे, हेलो कंप्लीट, ठीक है, यस, अब कितना बचा, अब ये तो है थ्री एन आर डी, पांच ढाई तीन से ढाई आधा बच गया, तो इसका आंसर हो गया यार एन बाई टू आर टी, आर चलेगा एन बाई टू इंटरनल एनर्जी तो अपन जानते हैं, आपने खूब बताया इसमें कहा कि डेल्टा यू तो चाहे प्रोसेस कैसा भी है, कैसा भी हो वो तो हमारा सिर्फ है कितना एन इंटू सी वी डेल्टा के, बस जो अपने कन्वर्जन कर रखे हैं, हाँ। वो अपन जैसे मान लो यहाँ लेते हैं एम सी, हम जानते हैं कितना एफ आर वाई टू इंटू आपका हो गया डेल्टा टी, ऐसा जो अपने ये जो चीजें पहले बता रखी है सारी, हाँ पी डी भी अपने बदला था, तो इसको अपन यहाँ लिखे देखो एफ बाई टू और एन आर डी टी को हम क्या रखते हैं पी डेल्टा भी, ठीक है, अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, तुम्हारे पास F के रूप में आप इसमें किस नाम रखा क्या है गामा, ठीक है, तो इसको गामा के रूप में जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अब R अपॉन गामा इस बन होता है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट देखो सुनो सुनो, हां CV की एक फार्मूला होता है F / 2R, बिल्कुल, एक आपका एक CV इक्वल टू होता है R अपॉन गामा -1, तो एक्चुअल में इसको करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें हां नहीं ये हमें जानबूझ के क्या, बिल्कुल हमने आपको ऑब्जेक्ट मिलाने के लिए ताकि आप ये CV का मान का R गामा -1, तो अपन जानते हैं कि इसमें जो DU होता है DU हमेशा क्या होता है N CV CV किसका रोल नहीं है, अगला जैसा कहता है डियर वैसे वैसे आप क्वेश्चन को चेंज करते जाएं। तो दोस्तों आज हम आपको 40 से 42 क्वेश्चन करवाएंगे, पर अब हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, तो 20 तक के क्वेश्चन दोस्तों हमारे हो रहे हैं, तो अब आगे बात को बढ़ाएं, तो डियर आगे बात को ले चलते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ, चलो भैया ये कार्नोट के दिल पे आ गया, कार्नोट की बात बता दो आप ले पूरी बच्चे से, कार्नोट की बात आप करें तो पेस खाली करना, तो अब इसमें जैसे बहुत सपने इसमें जो कार्नोट साइकिल जो है इसके अंदर एक तो अपन जो अपन तीन जो लो पढ़ते हैं आपका जलोट फ्लोट और स्लोट, जलोट फ्लोट और स्लोट, जीरोथ आपका फर्स्ट और सेकंड आ गया, अब जो फर्स्ट लो जो है वो तो बेसिक आपका एनर्जी कंजर्वेशन का है, ठीक है फर्स्ट, हाँ बिल्कुल फर्स्ट आपका एनर्जी कंजर्वेशन का लो और उसी पे आपका हीट इंजन काम करता है,
और स्लोट जो है उस पर काम करता है आपका रेफ्रिजरेटर। उन दोनों की जिससे अपन बेसिक दोनों कंपेयर कर लें, एक तो हमारे पास है हीट इंजन और दूसरा मैं कहता हूं कौन सा आपका रेफ्रिजरेटर, दोनों को अपन कंपेयर करें, दोनों फॉर्मूले आपके साथ बन जाएंगे, क्वेश्चन भी आपके तुरंत हो जाएंगे तैयार। अब मान लो मेरे पास ये कोई एक सोर्स है जिसका अपन लेता हूं टेम्परेचर कितना T1, और ये मेरे पास मान लो एक है सिंक जो बहुत ही लो टेम्परेचर है, इसका टी है आपका T2, ये बहुत ही हाई टेम्परेचर, आपका बहुत ही लो टेम्परेचर है क्योंकि हीट फ्लो इस तरह से क्या है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अब मान लो हमारे पास कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, उसमें अपनी जो डिमांड है उनके अनुसार मैं इसकी भी बात कर लूं, पहले यहां पर भी आपको इस तरह से सोचना पड़ेगा। ये मान लो मेरे पास एक है T1 टेम्परेचर पे सोर्स और ये मेरे पास है T2 पे कोई आपका सिंक उल्टा हो गया, बिल्कुल बाकी खेल दोनों सेम है, कोई इसमें बड़ा खेल नहीं है, और ये हमारे पास सिलेंडर सिस्टम है, कोई इश्यू नहीं है, और हमने यहाँ पर कोई गैस है आइडल गैस है वो फिल कर रखी है, ये हमारा है पिस्टन। अब खेल आपका शुरू होता है, यहां तो हमें मैकेनिकल वर्क है वो और वहां मैकेनिकल दोनों है, पर क्या इसमें आपको यूज करना पड़ेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इस वाले में क्या करना है हमने, इस वाले में हमें मैकेनिकल वर्क आपको गेन करना है, सही है, और वहां अपन वर्क करके लो टेम्परेचर से हाई की तरफ हीट को ट्रांसफर करें। यहां आपको करना है वहां होता है, बिल्कुल यहां आपको एक तरह उल्टा करना है, उल्टा करना गर्म फ्रीज होता है ना, बिल्कुल देखा जाए तो बाहर तो गर्म है अंदर वो लगती है, जबकि फ्रिज के बाहर आप देखो एसी के बाहर आप आओ ना, आदमी पास एसी खड़ा कर सकता है, विंडो एसी जो होती है उसके पास खड़े हो सकता है आदमी, क्योंकि अंदर की हीट को उठा के भरा देती है। अब इसमें क्या होगा कि मान लो मेरे पास कोई सिस्टम था जिसमें अपने गैस भर रखी है, तो हम इस जो आपका सोर्स है इससे कुछ हीट, जैसे मान लो मैं यहाँ ये कहता हूं कि मैंने यहां से Q1 हीट है वो हाई टेम्परेचर पे ली और उसको लेकर के हमें सिंक को उससे भी मैकेनिकल वर्क गेन करना है, ठीक है, तो जो W हमने वर्क करना है हमें उसको लेना है, वो हमारे लिए यूजफुल वर्क माइनस हो जाएगा, पर अब उसके लिए हमें कुछ हीट जो है वो सिंक को डोनेट करनी पड़ेगी। अगर ये ऐसा नहीं करे उसको हम कहते हैं परफेक्ट हीट इंजन, जोड़ा नहीं है, जोड़ा नहीं है, दुनिया में कोई भी इंजन आइडल नहीं है, किसी भी इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं है, और इसकी रीजन भी यही है कि इसको अपन जीरो नहीं कर सकते। अब इसको जीरो का मतलब T2 कभी जीरो नहीं हो सकता, T2 जीरो हो जाए तो आपकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 100% पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। यही सिचुएशन आपका मिल गया है कि इस सिंक को है आपको हिट देनी पड़ेगी, यानी इसका टी अपन कभी भी लो कर यानी जीरो केल्विन नहीं कर सकते। अब अपना नीटा इक्वल टू हो गया आपका यूजफुल वर्क अपन कितना ले रहे हैं इससे अपॉन कितनी हीट अपन ने गिवन दी, सही है, इसका फॉर्मूला बन गया। इसमें उल्टा है, यहां से अपन हीट Q2 लेने वाले हैं और उसमें से इस हीट को यहां ट्रांसफर करने के लिए आपको एक्सेलरेशन करना पड़ेगा, वो है बर्डन बाय सिस्टम, ऑन सिस्टम हो गया। अब ये Q2 आपने हीट ली, इसमें कुछ बर्डन करा और फिर अपन ने Q1 वो आपने क्या T1 के जो कि हाई टेम्परेचर उसको ट्रांसफर कर दिया। अब इसका उल्टा यहां पे अपन निकालते हैं, इसको बोलते हैं वैसे कार्य निष्पादन गुणांक या शीतलन गुणांक या मैकेनिकल इक्विवेलेंट कहलाता है, इसको अपन के कहते हैं, बीटा के रूप में होता है, ये उल्टा है कि W अपॉन Q1 है, यहां पे आपने हीट कितनी ट्रांसफर करी Q2 अपॉन उसके ट्रांसफर के लिए कितना वर्डन करा, ये W हो गया। यस, अब अपन जानते हैं एनर्जी कन्वर्जन अनुसार आपने यहां से हीट Q1 ली ना और ये इसमें ट्रांसफर की, इसमें W प्लस Q2 इक्वल टू अपना है Q1, बिल्कुल सही है, क्लियर, और इससे अपन निकालते हैं W तो कितना आपका Q1 माइनस Q2 है। यस, अब इसमें अपन इसको लिखते हैं तो Q1 माइनस का Q2 अपॉन Q1 1 माइनस, यस, Q1 माइनस Q2 अपॉन, अब इसको लिखते हैं 1 माइनस Q2 बाय Q1, हां ये अपन, हां 1 माइनस Q2 बाय Q1 और टेम्परेचर के होते हैं प्रोपोर्शनल, इसे दे 1 माइनस T2 बाय T1 T1 माइनस का T2 अपॉन T1 या 1 माइनस K2 बाय T2 बस हो गया, नीट बहुत है, नीट तो हो गई बिल्कुल, तो आप देखो 1 माइनस T2 बाय अपॉन T1 बस, ये ले यार तेरी दुकान पूरी हो गई। ओके, अब इसी दुकान की भी खत्म हो गई, इसको करो, इसमें भी आप देखो अपने यहां से इसमें ली Q2 और वर्डन कराइए, यहां पर भी आपका W प्लस कितना Q2 बराबर कितना Q1 ही है, यहां भी कोई इशू नहीं है, W यहां पर भी हमारे पास कितना Q1 माइनस का Q2 ही आएगा बस, और वो नीचे है ये Q2 अपॉन कितना Q1 माइनस Q2, इसको भी लिखना पड़ेगा टेम्परेचर रूप में, सही, तो T2 अपॉन T1 माइनस T2 ये आपका कंप्लीट है। अब इसे सारे आपके सारे हो जाएंगे, देखो एक बात सुनो, हमने आपको इंजन और रेफ्रिजरेटर दोनों पढ़ा दिए, बिल्कुल, तो दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, उल्टे हैं, प्रोसेस उल्टा है, ये एक शानदार, अब बोर्ड खाली कर ले वहां से, आ जाओ क्वेश्चन निकाल ले, आ जाओ अब बता पूछो क्वेश्चन का, आ जाओ बेटा, चल कर, अब देखिए इसमें ये क्वेश्चन है
T1 अब लो टेम्परेचर तो आपका T1 होता है, हाई आपका कौन सा, T1 तो हो गया आपका हाई, ये तो हो गया आपका लो, तो हो गया। अच्छा जी, तो ये कह रहा है कि एक कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन 300 केल्विन टू 600 केल्विन, भाई कार्नोट इंजन की दक्षता ना वो डिफरेंस पे डिपेंड करती है, बिल्कुल सीधी सी बात है, हां जितना ज्यादा उतना अच्छा होगा इसमें। वर्क आउटपुट ऑफ दिस, तो सिंपल है इसमें, पर साइकिल व्हाट इज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई टू द इंजन फ्रॉम सोर्स पर साइकिल, बिल्कुल अभी अपन जानते हैं इसकी ईटा है वो बेसिक थी, ईटा अपन जानते हैं डब्ल्यू अपॉन कितना क्यू क्यू और इक्वल टू T1 माइनस T1 और नीट इसके बिना नहीं होती है, हेलो कार्नोट के बिना नीट नहीं होती है भाई, बिल्कुल ये है देखो। अब ये बस हम लोग सीधा क्वेश्चन कर देते हैं ना, हाँ। तो आपको नहीं पता यहाँ कहाँ से आया, अब ये 10 मिनट का खेल है, जैसे कर लो तो कार्नोट पूरा एक क्वेश्चन तो खत्म नीट का, बिल्कुल बड़ा। चलो अगले पे आ जाए नेक्स्ट वाला, वो ये तो सिंपल है, वैसे अभी पर बात की थी, हाँ ये 100% कब हो सकती है, उसका सिंक जीरो जाए पॉसिबल नहीं, बनेगा ना जीरो अगले पेज पेज खाली कर खाली बैठा उसको वहां से, अब आ जाओ फिर से आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हो गया, निकालना है टी टू भी चेंज कर लो, ये आपका 300 हो गया वो आपका 1200 हो गया, सीधा कर लोगे तो 300 और 1200 एक बट्टा चार, बिल्कुल तो 3/4 3/4 तो 3/4 का मतलब ये W है क्या, यस इस W को तू एक काम कर क्यों निकालना है क्या, हाँ, अपने इसमें निकालना है क्यों, एब्जॉर्बिटी एब्जॉर्ब हीट है निकाल लेना, तो क्यों उधर जाएगा, हाँ। W को 4 से मल्टीप्लाई कर 12 × 4 = 48 3 × 16 उत्तर आएगा, यस यस सीधा करना, ये तरीका होता है गुणा करने का, ऐसे 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 तो करना पड़ेगा, थोड़ा बोलिए करना पड़ेगा, बिल्कुल अभी चलो बेटा नेक्स्ट बेटा खाली दे इसको, ये हम कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा प्रश्न है, हां वो तो क्या कहता है, अर्थ सडनली स्टॉप रोटेटिंग अबाउट ओन एक्सिस द इंक्रीज इट्स इनिशियल टेंपरेचर, देखो दोस्तों ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी घूम रही है, घूम रही है तो इसकी एनर्जी है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये घूमना बंद कर दे तो एनर्जी केवल अपने फॉर्म चेंज करती है, इट कन्वर्ट इनटू एमएसडी थीटा, यस आपकी पृथ्वी घूम रही है अपनी जगह घूम रही है तो सारी कौन है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो कितनी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, अच्छा आई क्या होता है ठोस गोला है तो 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एमएसडी थीटा, जानना अर्थ का मतलब ठोस गोला 2/5 है, अब तू खुद एक एम से एम कैंसिल आउट कर दे, अब कितनी ताप में वृद्धि हुई तो तेरा डी थीटा है तो डी थीटा तो करेगा तो 2 से 2 काट दे आर स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर 5s आर स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर 5s देखो जे भी आएगा, हां वो कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे, कैलोरी करेंगे तो सीधी सी बात है, तो इसने ऐसा नहीं लिखा बट वो ठीक है कि ये s जो है उसको कैलोरी से बदल देते हैं, तो इसको आप क्या कोई r स्क्वायर w स्क्वायर 5j है, हां यदि एक ऑप्शन 5s होता तो ठीक हो जाता, बिल्कुल लेकिन इसको j से मल्टीप्लाई करके ये आपके सामने आ गया, ठीक है डियर आगे चले, तो किसो एक हम कर दें, बिल्कुल देखो इसमें सिंपल सी बात है, कार्नोट इंजन हैज एफिशिएंसी 1/5 AR, देख मत और लड़के अब ये क्वेश्चन केवल तेरी करा रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, 1 - T1/T2 सीधी सी बात है, T2/T1 ये मेरे दिमाग में T2 से आता है T2/T1 ओके डियर, अब वो कहता है अब इस एफिशिएंसी को अगला कहता है मेरे को 1/3 करना है, ठीक है और सिंक का टेम्परेचर 50 कम कर दिया तो T2 - 50 अपॉन T1 बस ये दो चीज आ गई, क्या निकालना है T1 निकालना है, सीधा कर दो ये एक बस T2 निकालना है, T2 निकालना है अपने का निकालना क्या है T2 सिंक करने में T2 निकालना है, अब तू देख T2/T1 क्या होगा 1/5 में से 1 गया तो -4/5 तो तेरे सामने सामने क्या आया T2/T1 = 4/5 ये फार्मूला आ गया, यस आ गया, अब थोड़ा यहां कर इस 1 को इधर ला तो क्या बचेगा -2/3 कैसे करेंगे 2/3 T2 - 50 अपॉन क्या है T1 क्या है
5t2 बटे 4 कहां चला गया? ऊपर चला गया, कोई दिक्कत नहीं उसको। सही अभी चला, ये क्या हुआ तेरा 10 पूरा करेंगे 10t2 ये क्या 4 की 12 12t2 और 12 5 60 60 600 ये कितना बचा तेरा 2t2 इक्वल टू क्या हुआ 300 600 तो t2 300 के लिए आंसर क्या केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए। ओके डियर थैंक यू, आगे चलेंगे। आप फ्रिज पर आ जाए, चलो आप करें रेफ्रिजरेटर को। तो क्वेश्चन अपना है, एन आइडियल रेफ्रिजरेटर हैज ए फ्रीजर एट ए टेम्परेचर ऑफ -13 डिग्री सेल्सियस। इसका बीटा हमारे पास है 5, सीधी सी बात है। और ये होता है आपका उल्टा, यानी Q2 upon Q1 double, ठीक है, या Q2 upon कितना Q1 minus Q2, यानी T2 upon T1 minus T2, फिर कहता, अब अपन से कह रहा है, बढ़ाएं दे लिया आगे, बिल्कुल, 5, T2 क्या है? अब इसमें जो फ्रीजर का टेम्परेचर है वो अपना है, एक है हमारे पास T1 तो हाई होता है, वो तो आपका सराउंडिंग होता है, कमरे का ताप होता है, तो T2 वो तो अपने को फाइंड करना है। तो T2 कितना है? T1 में फाइंड करना है, T2 है आपका ये 260, हाँ 260, 260 अपॉन T1 माइनस 260। अब देख इसको काट ले, हाँ 25 52 52, तो T1 माइनस 260 इक्वल टू क्या हो गया 52, तो T1 इक्वल टू ये हो गया 2 11 312 केल्विन 312 में से अपन घटा दें 273 तो आपका आंसर होगा 39 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल, चलो बेटा आगे चलो, आगे चलो पुत्र, फिर आए फिर अपना क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन हो गया, पूरा करो पूरा करो पूरा अपन निकाल रहे इसमें बीटा इक्वल टू बीटा, अपन क्वेश्चन लेना वहीं से चाहिए, क्वेश्चन आपका आपका हो गया ताकि प्रैक्टिस ले, बिल्कुल ताकि आपको प्रैक्टिस करें, थोड़ा याद है, रटना नहीं पड़े इसमें। तो वापस अपन लिखिए, तो Q2 अपॉन कितना है आपका Q1 माइनस Q2 याद है तो कोई इशू नहीं है, ये T2 अपॉन T1 माइनस T2 आ गया, तो पूरा गुणा करो और T2 कितना है 30 ना होगा 30 लेकिन ना हां वो चेंज करो कैलकुलेटर में 2 आपका 303 देखो एक तो क्वेश्चन क्या कहता है कि पीवी डायग्राम है, ए सी बी पे गया, 2 ग्राम हीलियम है, सिंपल कहता है इस प्रोसेस में हीट कितनी देनी होगी, तो हीट इक्वल टू क्या होता है, हीट इक्वल टू डी क्यू इक्वल टू होता है डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अब आपको सबसे पहले क्या निकालना है इसमें डीयू और डीडब्ल्यू, डीडब्ल्यू क्या होता है जानते हैं, पी और वी के कर्व के द्वारा जो कवर्ड एरिया है, अब ये मैं पढ़ा चुका, ऐसी कोई लाइन हो तो उसके द्वारा जो कवर्ड एरिया है वो इसका तो जोड़ से वाला, हां तो पी नॉट और टू नॉट कितना हो गया 3 पी नॉट और इनका डिफरेंस ये क्या आ गया वी नॉट, ये कौन हो गया भैया डीडब्ल्यू। अब आपको क्या चाहिए डीयू, डीयू निकालने के लिए आप ऐसा करें, एक चीज बताता हूं मैं, डीयू निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा, डीयू क्या है, डीयू हम जानते हैं मस्ट होता है एनसीवी, डीयू क्या होता है एनसीवी डीटी और एन क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स f/2 r/dt। अब तू f/2 को तो बाहर ले ले और इधर कौन बचा nr/dt और n क्या होता है pdv final v final minus p initial बस सीधी सी बात है। f कौन है डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, f कौन है डिग्री ऑफ फ्रीडम, कौन सी गैस है मोनोटोमिक तो 3। अब तेरे सामने सामने p final पूरा कर देना यार, p final v final minus p initial v initial, तो du क्या बचा 3/2। अब सीधा कर दो p final कितना 2p note कितना होया 4v note p note minus देखा जाए ये कितना है 4.5 ये कितना है 1.5 आंसर क्या आ गया 6 6 4.5 1.5 कितना हो गया 6 तो अच्छा क्वेश्चन अपने आप में, इसमें कई सच काम आ गए। ओके आगे चले, ये यार ये मैं करूंगा इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसको ऑब्जेक्ट देख के मिलाना पड़ेगा तो इसे गिर पाओगे। देखो सुनो, ये कोई साइक्लिक प्रोसेस है ABCD और कौन सा ऑब्जेक्ट सही है भाई, अपना मास्टर कॉन्सेप्ट है। देख CD जो है ना, इस पथ में तेरा V कांस्टेंट है, V जब तेरा कांस्टेंट है तो PV इक्वल टू याद कर
एनआरटी वी कांस्टेंट है तो पी टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तेरे सारे ग्राफ इसमें है पी और टी में, तो पी टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो दोस्तों पी और टी की ऐसी कोई एक लाइन आएगी किसकी, सी और डी की, तो देख सी और डी की ये अब नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, या तो ये होगी या ये होगी, आ गया। अब देख डी से ए तू जा रहा समतापी प्रक्रम में, यहां तू ताप नियत कर, तो यहां ताप नियत करने का तेरे सामने डी से ए, तेरा दोस्तों ये रहा डी से ए, याद रह गया कि ये तो ए से डी है, ए से डी, हां तेरा हो गया बिल्कुल, पहले पढ़ रहा है, कह रहा है फिर देख मेरे साथ, फिर देख मिटाता हूं दोबारा सॉल्यूशन को, आपको पीवी को पीटी में चेंज करना है, ये कर्म कौन है सीडी, सीडी में क्या है वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो पूरी बात सुन ले, पीवी इक्वल टू क्या है एनआरटी, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो पीटी के समानुपाती है, तो समानुपाती जब होता है तो ऐसी कोई लाइन आएगी, ऐसी लाइन दोस्तों ये नहीं है, ये नहीं है, या तो ये है या ये है, हो गया। अब आप देखो डी से ए, तो ये तो दोस्तों डी से ए नहीं, ए से डी है तो हो ही नहीं सकता, ये डी से ए, ये कौन सा प्रोसेस होता है समतापी आइसोथर्मस, और उसमें आप जानते हैं ये कौन है आइसोथर्मस, आंसर क्या एक नंबर, कोई कोई बुद्धि की जरूरत नहीं है, सीधा प्रैक्टिस जिसने सी बात है इसके अंदर, आगे चल, ये फिर तगड़ा पाड़ बना क्वेश्चन, ये बहुत सारा क्वेश्चन है, देखो सुनो, पीवी डायग्राम दे दिया, अंडर डायनेमिक ट्रांसफॉर्मेशन है, वर्क डन ऑन सिस्टम गोइंग ए बी सी, देखो ए बी सी, देखो ए से बी पे गया, बी से, एक बात सुनो रहे, बी से सी पे कोई वर्क नहीं है भाई, नहीं होता, हेलो, बी से सी पे कोई वर्क नहीं है, वर्क सुन लड़के, इसको ऐसा भी कह सकते हैं वर्क तू ए बी सी बोल, वर्क तू ए बी बोल, बात एक ही है, कितना है बोला पुत्र 50 जूल है, 50 जूल, इसके द्वारा लीग उष्मा 20 कैलोरी है, कैलोरी कैलोरी लीग उष्मा, हाँ पॉजिटिव, यस, सिस्टम को उष्मा दी तो 20 मल्टीप्लाई 4.2 यानी 84 जूल, कहने का मतलब है एबीसी पथ जो है उसकी डब्ल्यू तो क्या है 50 और डीक्यू क्या है 84, तो डीयू क्या होगा, डीयू बराबर होता है डीक्यू माइनस डीडब्ल्यू, व्हाट इज डीक्यू 84 माइनस 50 इक्वल टू 34। अब सुन तू एबीसी पे जा या ए से सी पे जा, डीयू के मान में कोई चेंज नहीं होना, तो ए से सी का डीयू कितना हो गया 34, आंसर क्या आ गया 34, इसी बात की इसमें एक कैलोरी में था एक जूल में था, दोनों को चेंज जूल में क्यों किया, कि मेरे ऑब्जेक्ट सारे किस में है जूल में, यदि मेरे ऑब्जेक्ट कैलोरी में होते तो जूल को चेंज क्यों लेता कैलोरी में, कैलोरी आगे चलो भाई, ये अब स्टार्ट हो गया दोस्तों रेडिएशन, रेडिएशन इसके लिए पिछले टॉपिक के 3 क्वेश्चन हमारे बाकी थे, तुरंत भगवान वहां लेके आओ दोस्तों, जैसा आपको ध्यान है 21वां गुरु नीति था, वहां 3 क्वेश्चन हम छुड़वाए थे हमने, क्योंकि वो एक्चुअल में टीडी से जुड़े हुए थे, तो आज उनको कर रहे हैं, तो ये एक्चुअल में गुरु नीति नंबर 21 का क्वेश्चन नंबर 21वां है, प्लीज आप इसको पूरा करें फटाफट। क्वेश्चन अपना है कि एन आइडियल गैस, आइडियल गैस है वो प्रोसेस, एक पीवी की पावर एन है और ये पोलो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की बात है, उसके साथ फॉर्मूला होता है एक, हाँ पूरी को फटाफट लिखो, उसकी जो स्पेसिफिक हीट होती है C इज इक्वल टू R अपॉन 1 माइनस N, N यहां पे P यस V की पावर थी ना वो है प्लस CV, CV सारी गैस के लिए फिक्स है, फिक्स है बस, अब इसमें आपको निकालना क्या है N पूछा है, ठीक है, और ये R अपन जानते हैं CV माइनस CV तो फिक्स होता है सभी गैस के लिए होता है, अगर मैं इसको यहां इस CV को इस तरफ ले आता हूं तो मेरे पास आ गया C माइनस का CV इज इक्वल टू R अपॉन 1 माइनस N, और यहीं से मुझे N निकालना है तो मैं लिखूं 1 माइनस N इज इक्वल टू, तो C अपॉन CV नीचे चला गया, तो ये हमारे पास हो गया R अपॉन C माइनस का CV, मुझे N निकालना है तो इसको उधर ले आता हूं, ऐसे करते हैं, यस एक काम करते हैं 1 माइनस R अपॉन C माइनस CV इक्वल टू N, तो इसको ऊपर ले ऐसे, हाँ। तो C माइनस CV माइनस आर अपॉन सी माइनस सी वी इक्वल टू एन, थोड़ा सा मॉडिफाई करते आर क्या होता है सी पी माइनस सी वी, सी माइनस सी पी प्लस सी वी अपॉन सी माइनस सी वी इक्वल टू एन, तो सी वी काट दे तो तेरे सामने सामने आ गया सी माइनस अपॉन सी पी माइनस सी अपॉन सी वी इक्वल टू एन, सी माइनस सी पी अपॉन सी माइनस सी वी, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, बस ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जिसको ये फॉर्मूला पता है किसके लिए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है फिर भी इसको अपने आपको करवा दिया, पेज खाली कर दे भैया, पेज खाली कर दो भैया, ये क्वेश्चन 34 ये 21 में अपन देखा था, लेकिन ये जेई क्वेश्चन है, इसको हम करके आपके 10 मिनट वीडियो खराब नहीं करना चाहते हैं, हटाओ इसको आगे चलो बेटा। अब एक क्वेश्चन 40 है, ये है क्वेश्चन देखो मीट, ये आता है मेडिकल में, तो अगला कहता है 70 कैलोरी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज टेंपरेचर 2 मोल ऑफ आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर,
30-35, the amount of heat required to rise the temperature same through the gas range. देखो एक हिंदी सुनो क्या कहता है कि कांस्टेंट प्रेशर पर 2 मोल गैस का टेम्परेचर 30 से 35 करता है तब तो कितनी चाहिए 70 कैलोरी और इसी प्रास में कांस्टेंट वॉल्यूम पर आपको बढ़ाना हो तो कितनी हीट चाहिए शुरू हो जा रही है। अब इस क्वेश्चन की तो खास खूबसूरती क्या है कि हमें गैस लिखा तो है आइडियल गैस पर उसके ऊपर आइडियल गैस मान करके वैसे 3 लेके इसके ऊपर नहीं कर सकते। सही बात है, ये इसलिए अपने को इसको स्पेशली करना पड़ेगा। तो डेल्टा क्यू जो हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं प्रेशर कांस्टेंट पे एनसीपीडीटी हो गया एनसीपी डेल्टा टी या डीटी जो हो गया सर देखो क्यूसीपी क्यू डेल्टा क्यूवी डेल्टा क्यूवी क्यूवी जो हमें फाइंड करना है एनसीपीडीटी एन और एक दो का भाग दे दो डेल्टा टी अब एक दो का भाग दे दो बिल्कुल। अब इससे पहले अपने सीपी निकालनी पड़ेगी एक ही बात डिवाइड कर लो सीपी निकाल लो आ जाओ अपनी सीपी निकालो सही सीपी सीपी आएगा सही करो सीपी निकालो या सीपी निकालो डेल्टा क्यू पी हमारे पास कितना 70 तो 70 इज इक्वल टू मोल हमारे पास है 2 डीटी 5 सीपी हमें फाइंड करना है डीटी 5 ये हो गया आपका और टेम्परेचर अपन जानते हैं सेल्सियस का सीपी 7 हो गया सीपी 7 हो गया सीपी 5 हो गया बस ये काम बात है दोस्तों सीपी कितना आया 7 और सीपी माइनस सीपी आर होता है 2 मानते हैं तो इसका डेल्टा क्यू क्या है फाइंड करना अपने फाइंड करना एन कितना है 2 सीपी कितना है 5 डीटी कितना है 5 तो इतना कितना हो गया भैया 50 कैलोरी है ना सारा खेत कैलोरी आंसर क्या कर बस इसमें एक बात सुनना इसमें कई मोनोटोमी गैस करके तू गामा क्यू प्रूव कर देना वहां गलती जाएगी इसीलिए स्पेशल निकालना होता है देखो सी ये शोर है तो कुछ भी गैस हो सीपी माइनस सीबी इक्वल टू पैसे क्या होगा आर होगा ये एक धारणा थी इसका तो एक केटीजी क्वेश्चन थे जो हीट टीडी से जुड़े हुए थे ओके डियर तो ये तीनों पुराने क्वेश्चन भी आपके हो गए। अब वापस हमारे टॉपिक में आते हैं हम लोग। हाँ तो डियर ये क्वेश्चन आ गया आपका रेडिएशन पे तो रेडिएशन का मतलब होता है कोई गर्म बॉडी जो है उससे हीट बाहर निकलती है किसके थ्रू रेडिएशन के थ्रू और इसमें सबसे प्रवस्ट ने कहा कि हर बॉडी हर टेम्परेचर पे हीट लेती भी है और हीट देती भी है। यदि आपको कोई जैसे मैं आग के सामने खड़ा हूँ मुझे गर्मी लग रही है इसका मतलब कि मैं आग से ज्यादा ले रहा हूँ कम दे रहा हूँ। मैं बर्फ के सामने खड़ा हूँ ठंड लग रही है तो बर्फ मुझे भी दे रही है पर मैं बर्फ को अधिक दे रहा हूँ मुझे बर्फ से कम मिल रहा है। और यदि आप हम दोनों बराबर खड़े हैं हमारे बीच कोई गर्मी या ठंड का अभाव महसूस नहीं होता तो इसका मतलब ये नहीं कि हीट ट्रांसफर बंद हो गया हम दोनों के टेम्परेचर बराबर हो गए हीट ट्रांसफर सेम हो गया बिल्कुल वैसे ही जैसा केमिकल इक्विलिब्रियम में साम्य के समय रिवर्स अभिक्रिया का वेग अग्र अभिक्रिया के वेग के बराबर हो जाता है। केमिकल इक्विलिब्रियम में एट इक्विलिब्रियम पोजीशन यू नो स्पीड ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल टू स्पीड ऑफ यहाँ दोस्तों दो चीज आएगी जैसे बॉडी आपको अभी कितने हीट देगी कितने उष्मा देगी तो दोस्तों ये जो है वो T4 के इसको क्या है और यहाँ कोई ना कोई कांस्टेंट आता है वो क्या है सिग्मा T4 ये तो यूनिट एरिया से है यूनिट मास से है और ब्लैक बॉडी से है ब्लैक बॉडी से यहाँ सब जाएगा E E का मान 1 है तो वो ब्लैक बॉडी है इसका मान 0 तो वो व्हाइट बॉडी है नॉर्मली 0 और 1 के बीच होता है तो प्योरे पूरे Q की बात करें तो पूरे K का मतलब इसको A से मल्टीप्लाई करो इससे E से मल्टीप्लाई करो इसको T से मल्टीप्लाई करो इसको E से मल्टीप्लाई बिल्कुल ये डियर Q इक्वल टू A E T सिग्मा T के पावर 4 रियल फार्मूला ये है यूनिट एरिया आइडियल ब्लैक बॉडी यूनिट सेकंड तो 1 सेकंड है तो T A कर दो ब्लैक बॉडी E A कर दो यूनिट एरिया तो A कर दो तो क्या बन गया वापस वो बन गया रियल कहानी ये है बिल्कुल। और भी पूरी बात पे जाओ तो ये रियल फार्मूला ऐसे बनता है सिग्मा T4 माइनस T04 एक बात ध्यान देना क्लास है कई बेटे कलाकार क्या करते हैं T माइनस ऐसा नहीं होता है डिफरेंस की पावर नहीं है डिफरेंस की पावर नहीं है ये पावर का टेम्परेचर है ये कौन है साउंडिंग टेम्परेचर साउंडिंग का टी नॉट क्या है साउंडिंग टेम्परेचर ये कौन है बॉडी टेम्परेचर। अब मैं यहां जो सबसे सुंदर बात प्यार हो दोस्तों ये है ए ई सिग्मा टी टी फॉर फोर अब यहां एक बड़ी सुंदर चीज आएगी भाई वो सुंदर चीज क्या है डियर कि आपके सामने क्यू इक्वल टू क्या होता है एम एस डी थीटा तो एक तो होता है इसमें डी क्यू बाई डी टी और एक है डी थीटा बाई डी टी बस का मेरे साथ हो जा डी क्यू बाई डी टी अलग है डी थीटा बाई डी टी अलग है शब्दों का हेर फिर हो सकता है यूनिट चेंज नहीं होती डिग्री सेल्सियस पर सेकंड है डी थीटा बाई डी टी है और जूल या कैलोरी पर सेकंड है तो
तो dQ by dt है, इसको ताप ह्रास कहते हैं, इसको उष्मा ह्रास कहते हैं, रेट ऑफ कूलिंग इसका नाम भी है और कुछ किताब इसका नाम भी देती है। इसको क्यों कौन बचाएगा? यूनिट बचाएगा, यूनिट सही, यूनिट ढूंढनी पड़ेगी। यदि डिग्री सेल्सियस पर सेकंड है तो डी थीटा बाई डी टी है, जूल या कैलोरी पर सेकंड है तो डी क्यू बाई डी टी है। इसमें कहीं बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है भाई, परेश होने से। तो डियर अब बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, क्यू की जगह मैं रिप्लेस कर दूं एम एस डी थीटा इक्वल टू ए ई सिग्मा टी टी फोर माइनस, ऐसे ऐसे कोई फर्क पड़ने वाला लेना पड़ेगा। अब देखें, अब तू ये टी को इधर लिया तो ये तेरा क्या बचा, डी थीटा बाई डी टी, लड़के डी थीटा बाई डी टी ए ई सिग्मा एम एस टी फोर माइनस टी जीरो फोर डी थीटा बाई डी टी है। एक बार प्रश्न शुरू कर दिया, ध्यान दे क्लास, एक बार प्रश्न स्टार्ट कर दिया तो ई चेंज नहीं होगा, सिग्मा चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है ए बाई एम एम। तू जानता दोस्त घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टा आयतन होता है, द्रव्यमान बराबर क्या हो गया घनत्व गुणा आयतन। थोड़ा सा और मॉडिफाई कर, तो जहां एम लिखा हुआ है वहां घनत्व गुणा आयतन, थोड़ा और मॉडिफाई कर, घनत्व है घनत्व तो घनत्व है, आयतन जो है उसको तू एरिया मल्टीप्लाई आर भी कह सकता है। बिल्कुल ध्यान दे क्लास पे, एरिया बाई आर भी कह सकता है। तो मेरी क्लास की सुंदर चीज ये है कि डी थीटा बाई डी टी अपॉन वन आर डी है, ये काम की चीज ए ए से कट गया, ये है डी थीटा बाई डी टी वन बाई आर डी है, मेरी क्लास की सबसे पहले चीज कह रहा हूं। बट मैं इसको डी क्यू बाई डी टी करूं, कलर चेंज कर लूं वापस लाल तेरे लिए, तो दोस्त जो डी क्यू बाई डी टी है, डी क्यू बाई डी टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया है। बिल्कुल हाँ, ध्यान दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया है, डी थीटा बाई डी टी आर के इनवर्स है, जबकि डी क्यू बाई डी टी एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी क्यू जो है उष्मा, अभी बुद्धे की बात सुन, हीट का लॉस सरफेस से होता है, टेम्परेचर लॉस बॉडी से होता है, बॉडी से होता है। हेलो, टेम्परेचर लॉस तो पूरी बॉडी से होता है, और हीट सरफेस सरफेस हीट का जो लीकेज है वो सरफेस से होता है। बस यही दो काम की चीज है, डी क्यू बाई डी टी अलग है, डी थीटा बाई डी टी अलग है। बिल्कुल, गर्म करके ठंडा करना, ठंडा करके गर्म करना, यह दो ही चीज है, सीधी सी बात है। हाथ हो, अभी जो अपने क्वेश्चन पढ़ा, अपने जो फॉर्मूला बनाया वो ही क्वेश्चन है। ये क्या कहता है, जो पेपर हाथ ले लेता हूं ताकि मेरे को पढ़ने में दिक्कत नहीं आए। आप ऐसा करना, पेज खाली कर दो मुझे इसका भाई, आप मुझे इसका पेज खाली कर दो ताकि मैं क्वेश्चन को पेज से पढ़ लूं, ताकि मेरे को पेज पूरा खाली मिल जाए। देखो डियर, साफ कहता दो गोले हैं, एक गोला एस वन है, एक गोला एस टू है। अगला साफ कहता दोनों एक पदार्थ के बने हैं, इसका मतलब डी सेम है, दोनों की सरफेस समान है, इसका मतलब दोनों का ई सेम है। ओके डियर, और इसका मास 3m है, इसका मास क्या है m है। अगला साफ कहता है कि एस का मास एस टू के मास का 3 गुना है, दोनों के गोले समान टेबल समान है, सेम रूम में रखे, सब कुछ समान है, तब दोनों गोलों के ठंडा होने का एस वन एस आ जाए। देख सिंपल सिंपल बात, अभी तेरी बात क्या हुई थी, डी थीटा बाई डी टी क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए अपॉन एम एस एम एस, बस बस एस कॉन्स्टेंट है। ध्यान दे क्लास, यस, अब आगे चलो, तो डी थीटा बाई डी टी को पड़ेगा आर बोल दे, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, ए बट्टा एम, ठीक है डियर। बिल्कुल, अब अगले ने मास को दिया है तो ए को मास को उड़ाना पड़ेगा, तो ए उड़ाना पड़ेगा, तो जानता डी इक्वल टू क्या होता है एम बाई वी, एम बराबर क्या होता है डी वी, वी क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बिल्कुल ठीक है डियर, तो इसका मतलब क्या है, एम जो है वो आर क्यूब के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो आर क्या है एम की पावर 1/3 के है। अरे यार इतना मजा आ रहा है, मक्खन खा रहे हैं, तो तेरे सामने ए क्या होता है आर स्क्वायर होता है, ये तेरा एम है, आर क्या है एम की पावर 1/3, तो ये एम की पावर क्या है 2/3, ये तेरा क्या है एम 1 है, ये ऊपर जाएगा तो आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एम की पावर क्या आ गया 1/3। बिल्कुल, हेलो, यस, सीधा होता है यार, अब घबराए नहीं, बस ये मिटा दिया मैंने। तो दोस्तों पेज 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 डी थीटा बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के, सॉरी एम की घात 1/3, तो आर वन बट्टे आर टू इक्वल टू एम वन बट्टे एम टू की पावर 1/3। दोस्तों पहले का मास कितना है 3, तो 3/1 की पावर 3, तो आंसर निकालना भैया, तो 3 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 1।
इसने पूछा क्या है, एस वन का एस टू सब पूछा है, तो आंसर क्या हो गया आपका, फोर्थ हो गया। ऐसी बात है, आंसर नंबर क्या हो गया आपका भैया, फोर्थ। सिंपल सी गुणा भाग है डियर, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस से काम करना है, आपका आंसर इसमें निकल जाता भैया, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। और ये एक बांद्रा इसका फोर्थ आंसर अपने पास आ गया, तो यही कुछ क्वेश्चन है भाई। ओके डियर, थैंक यू। तो ये आपकी व्यवस्था होगी, बिल्कुल भाई, बात रोक के करेंगे आराम से। कि एक है डी क्यू बाई डी टी, एक है डी थीटा बाई डी टी, जैसा जैसा अगला कहता है वैसे वैसे इसको हम करते जाएंगे। ओके भैया जी, आगे चलो। ये दुनिया में फेमस है लेमडा, कलर चेंज करना पड़ेगा, लेमडा इज इक्वल एम, लेमडा एम इज इक्वल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यस वीन स्थापन है, और इसको ऐसा करते हैं लेमडा एम, तो ये बी अपॉन टी हो जाता है। तो कई बार ये भी कहता है बी इक्वल टू लेमडा एम मल्टीप्लाई टी, लेमडा एम मैक्सिमम होता है तो टी मिनिमम हो जाएगा, लेमडा एम मिनिमम है तो टी मैक्सिमम, तो गुणा तो चेंज होना नहीं, नहीं कांस्टेंट हो गया। तो बस क्या कहना चाहता, देख कौन सा आंसर होगा इसका। अब कहता ब्लैक बॉडी है, इकाई क्षेत्रफल से उत्सर्जित विकिरण दर आर जो है वो वाट पर मीटर स्क्वायर है, तो किस तरंग दैर्ध्य पे इसके द्वारा विकिरण शक्ति अधिकतम होगी, स्टीफन नियतांक सिग्मा विकिरण विस्थाप बी है। yes. आप इसको एक बार कर लें, हाँ बिल्कुल, इक्वल टू क्या है सिग्मा, सिग्मा टी फोर, टी फोर ई दे रखा है आर, बस बस टी का दे रखा है आर, आर इक्वल टू सिग्मा, जहां लिखा होता टी वहां का लिख दो बी अपॉन लैम्डा, बस हो गया, की पावर फोर, फोर पांच कर दिया, तो बी अपॉन लैम्डा इक्वल टू सफा कर दो यार, लैम्डा इधर ले ले यार, यस लैम्डा इधर लेगा तो सिग्मा है और बी की पावर क्या करेगा, वन बाई फोर, वन 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 आर की पावर वन बाई फोर, यस आर की पावर वन बाई फोर, तो पूरी पावर पे रहेगा वो, आर अपॉन सिग्मा की पावर वन बाई फोर होगी ना, आर अपॉन सिग्मा, यस 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 यस, इसमें भी आएगा, इस पे वन बाई फोर बी बाहर आएगा, बी बाहर आएगा, बी बाहर ले ले, बिल्कुल बी बोला 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 बी बाहर ले ले, बी बाहर ले ले, यस यस, आगे भाई सारी चीज आपके सामने कर रहे हैं यार, ठीक है डियर, आगे चले। हाँ तो डियर ये क्वेश्चन जो है ना ये नीट में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, वो कहता बॉडी 5 वाट एनर्जी एट 400 केल्विन, तो 1600 केल्विन पे वो कितना इमीडिएट रेडिएट करेगी, तो E इक्वल टू क्या होता सिग्मा टी फोर, इक्वेशन वन बनाओ इक्वेशन टू बनाओ, तो इक्वेशन बनेगी ई वन अपॉन ई टू इक्वल टू टी वन बाई टी टू का होल फोर, ठीक है डियर, ई वन कितना है 5, ई टू कितना है फाइंड आउट, टी वन कितना है 400, ये कितना है 1600, इसकी पावर क्या है 4, एक बट्टा 4 की पावर क्या हो गया 4, एक बट्टा 4 की पावर 4 बोल दो तो 1 2 की पावर 8 बोल दो, 8 बोल दो, तो देखो 2 4 8 16 32 64 128 256, तो ये आपका आ गया 1/256, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो यार, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 125 1280 वाट आंसर आ गया, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। आगे चलो, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, कि 70 से 65 पे लाए 60 पे लाए, ये तो बहुत गहरा क्वेश्चन है, इसका रियल क्वेश्चन ये देखिए, थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन टी के थीटा 1 प्लस थीटा 2 बटे थीटा माइनस थीटा नॉट, ये मास्टर फॉर्मूला इसका। वैसे दोस्तों कॉमन सेंस की बात है, 70 से 65 आओगे और 65 से 60 आओगे और उसके बाद 60 से 55 तक आओगे, यहां T1 समय है, यहां T2 समय है, यहां T3 समय है, वस्तु दोस्तों जितनी ठंडी होती है फिर वो ठंडा और उतना ज्यादा समय लेती है, सबसे गर्म होती है वो कहते हैं जितना जल्दी गुस्सा आता है ठंडा भी उतना होता है, तो सबसे ज्यादा कौन है T3, उससे कम कौन है T2, सबसे कम कौन है T1, तो ऐसा कौन सा आंसर हो गया भैया, थर्ड आंसर। लेकिन डेट निवर आ जाए ये फॉर्मूला भैया, थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई टी के थीटा 1 प्लस थीटा 2, थीटा नोट क्या है सराउंडिंग टेंपरेचर, ये इसका आंसर होगा, ये क्वेश्चन लिया इसीलिए गया है, हिंट दे दिया हमसे आपको, आगे चलो बेटा। ये एक और अच्छा क्वेश्चन है, क्या कहते 2 ग्राम की शीशे की गोली है, ये 200 मीटर पर सेकंड के वेग से लकड़ी के ब्लॉक फंस जाती है और संपूर्ण ऊर्जा ताप बढ़ाने में खर्च होती है, सुनो भाई यहां एनर्जी अपना रूप चेंज करती है, एनर्जी अपना फॉर्म चेंज कर रही है, हाफ एमवी स्क्वायर से गोली जा रही है और पूरी की पूरी एमएस थ्री थीटा में कन्वर्ट हो रही है, बिल्कुल ध्यान दे पास, गोली गई हाफ एमवी स्क्वायर जाके रुक गई तो वी जीरो हो गया, तो हाफ एमवी स्क्वायर जीरो हो गया, एनर्जी कांट क्रिएट कांट डिस्ट्रॉय, एनर्जी अपना फॉर्म चेंज करती है, बस तो तेरे सामने एम से कैंसिल आउट कर दे, क्या पूछा है डी थीटा, एक ही बात है डी टी बोल दो डी थीटा बोल दो, तो ये कितना होगा डी थीटा क्या हो जाएगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर अपॉन 2s,
ओके डीएल वी स्क्वायर कितना है 200 मल्टीप्लाई 200 और नीचे कौन है 2 एस कितना है भैया एस एस ये मेरा पैट फंडा भैया एस है 0.03 कैलोरी है तो 4.2 जूल हो गया नीचे ग्राम है तो ग्राम को केजी में चेंज करना है तो ऊपर तेरे जाएगा ऊपर ऊपर फिर 10 की घात है 3 लगा दे सीधी सी बात है तो एस क्या क्या होगा 0.03 मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई 10 to power 3 क्योंकि देखो ग्राम नीचे है तो 1 ग्राम में 10^-3 किलो होते हैं ऊपर आ जाएगा तो ये यहाँ रह गया। अब एक बात सुन ले भाई इसको तो इसे कैंसिल आउट कर दे ये तेरा 100 है ठीक है डी एल 2 बिंदी तो ये 1 बिंदी ये तो आगे तेरी 10^3 इससे कैंसिल आउट हो गया ठीक है डी एल ये तेरा 4.23 क्या है लगभग कितना आएगा ये 12 और 12 इंची कितने होते हैं पॉइंट अपन हटा चुके हैं ना है पॉइंट हटा चुके हैं पर ये पॉइंट अपन यहां ले चुके हैं तो 120 होगा 120 कुछ होगा तो ये 12 इंच छेद में 0.8 आएगा 0.8 को यदि आप 200 से गुणा करोगे दोस्तों तो 160 के आसपास 160 गारंटी देगा बिल्कुल सही है ठीक है सीधी सी बात है सिंपल गुणा भाग है यार ये सिंपल गुणा भाग कर लो आंसर आ जाता है। अब ये गुणा भाग इसलिए आपके सामने कर रहा हूं कि हम ऐसे करते हैं गुणा भाग और ये प्रैक्टिस है और एग्जाम ऐसे होती है ऐसे पूरे भाग पहले के भाग भी लगता है एग्जाम में ओके डियर। इसमें मूल बात क्या थी दोस्तों फिर बता दूं मूल बात है एनर्जी अपना फॉर्मेट चेंज करती है ½ mS d θ और एस जो था जो 0.03 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है जैसा कैसा चेंज कर दे 0.03 जहां कैलोरी लिखा हुआ है वहां 4.2 जूल लगा ग्राम नीचे है तो नीचे का नीचे आएगा और ये तेरा केजी डिग्री सेल्सियस है और सबसे बड़ी गलती बच्चे इसी कन्वर्जन में करते हैं। और एक बात और सुन तू यहां कहेगा साहब डिग्री सेल्सियस क्यों ले रहे हो कैलोरी क्यों नहीं लिया तो ये बहुत गहरी बात कर रहा हूं यहां टेम्परेचर डिफरेंस है तो चाहे डिग्री सेल्सियस ले ले चाहे कैलोरी कैलोरी ले ले क्योंकि यहां क्या है टेम्परेचर बढ़ रहा है इन चेंज हो रहा है चेंज में डिग्री केल्विन और डिग्री सेल्सियस कोई फर्क है नहीं होता है ओके डियर आगे चल। हाँ तो किशोर ये झील पे परत जमती है उसका फॉर्मूला देख फॉर्मूला तो ये T=ρL2K θ y2² - y1² रो डेंसिटी आइस की L रिटेंशन K कनेक्टिविटी थीटा सराउंडिंग जो नेगेटिव था तो नेगेटिव था y2² - y2² ये टी क्या है जमी बर्फ की लंबाई है वो तो बाद में आता हूं मैं बट इसमें ये रिलेशन क्या होता है कनेक्टिविटी क्या होनी चाहिए बताओ कनेक्टिविटी का रिलेशन सिंपल होता है जैसे जैसे आइस बनते हैं बॉस हां उतनी उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है यस तो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा उसका इसका हो गया आपका कि वेरी लो कंडक्टिविटी एंड रिटार्ड्स फर्दर फॉर्मेशन ऑफ आइस और कंडक्टिविटी की कम होने से उसकी जमने दर कम हो जाती है। अब एक बात हूं आपको मैं ये फॉर्मूला जो है T = ρL2K θ y2² - y1² यहां एक बहुत सुंदर चीज है टी थिकनेस ऑफ आइस है वो टाइम टेकन हो टाइम टेकन सॉरी टाइम टेकन है आइस के कितना y1 से y2 होने में कितना समय लगा कितना समय लगेगा। अब एक बात ध्यान सुनना इसमें स्टार्ट आप मानो स्टार्ट 0-0 से करते हैं पहले आप 1 सेंटीमीटर जमे फिर 2 सेंटीमीटर फिर 3 सेंटीमीटर तो टाइम हो गया 1:2 / 3/4 तो ये तो आपके सामने आंसर आ जाएगा 1:4 अब वो कहता है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कितना समय लगा 2 से 3 में कितना लगा तो 1 से 2 में कितना लगा तो 2² - 1² कितना हुआ 3 3 3² - 4 कितना हुआ 5 तो वो क्या होगा 1 दिन ऑड नंबर में आ गया बस ध्यान रखना। तो एक सिंपल बात बोलता हूं मैं कि वो कहता है कि बर्फ की मोटाई को 1-2-3 गुना होने का समय कितना है 1-4-9 और वो कहता है कि पहली 1 सेंटीमीटर फिर अगले 1 सेंटीमीटर फिर अगले सेंटीमीटर वो समय कितना होगा वो ऑड नंबर 1-3-5 तो ये ध्यान रखना और ये इसका एक लंबा डेरिवेशन नहीं करना चाहेंगे बट हमने फॉर्मूला लिया इसीलिए है ये किशोर फिर सुन लो ये थीटा माइनस में है बिल्कुल अरे ये तो कॉमन सेंस की बात है भारत का टेम्परेचर माइनस होता है तब तो बर्फ जमती है झील के अंदर है ये थीटा माइनस है लेकिन यहाँ चिन्ह वो -7 आ गया है आपको इस न्यूमेरिकल में अलग से माइनस नहीं पुट करना है टी के माइनस में नहीं होता है बार बार कह रहा हूं इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं वो -20 डिग्री भार का वातावरण हो गया तो ये -20 इस कैलकुलेशन में आ गया है आ चुका है ओके डियर आगे चलते हैं थैंक यू आगे आ जाओ फिर वही बेसिक लैम्डा और टी थर्ड आंसर हो गया आपका दिस इज वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ आगे चलो बेटा एक गैस से मिश्रण में 2 मोल 8 मोल हीलियम है तो इसकी नियत आयतन की प्रभावी विशिष्ट सीमा क्या है क्या पूछता है अगला इसका सीवी मिक्सर सीवी अब एक बात को सुन ले ये एक बहुत शानदार फॉर्मूला
देखो डियर, आपको रिजल्टेंट सीवी निकालना हो तो क्या बोलोगे? N1 CV1 N2 CV2 / N1 + N2। यदि आपको परिणामी सीपी निकालना हो तो N1 CP1 N2 CP2 / N1 + N2। बट कई बार परिणामी गामा निकालना होता है तो पब्लिक क्या करती है? N1 γ1 N2 γ2 / N1 + N2, जो मेरे यारो गलत है। यहीं से आप बस एक बार ध्यान सुनना दोस्तों, आप लोग गेसू के गत्यात्मक सिद्धांत की बात करते हैं, ये बहुत शानदार फॉर्मूला है। ये आपको रिजल्टेंट सीपी निकालना है, ध्यान सुन लो, तो N1 CP1 N2 CP2 / N1 + N2 है। ये आपको परिणामी सीवी निकालना हो तो N1 CV1 N2 CV2 / N1 + N2 है। पर परिणामी गामा निकालना हो तो भाई साहब बहुत लंबा सा फॉर्मूला, पेज खाली कर दे तो मैं किताब से लिख देता हूं भाई, इसको पेज खाली कर दे भैया, कर दिया जी। तो दोस्तों इसका बड़ा लंबा फॉर्मूला है, N1 γ1 γ2 - 1 + N2 γ2 γ1 - 1 upon N1 γ2 - 1 N2 γ1 - 1। ये रिजल्टेंट मिक्सर का फॉर्मूला है, सुनना, वन के साथ टू है, टू के साथ वन है, इस प्रकार की बातें आएंगी, ये बता देता हूं मैं। क्वेश्चन आ गया वापस भैया, क्वेश्चन एक सीधा मतलब है रिजल्ट, ये क्वेश्चन ले से लास्ट में हम लोगों ने, जब किसी केटीजी के हैं वहां छूट गए थे तो आज ले लिया हमने। सीपी निकालना हो तो फॉर्मूला है, सीवी निकालना हो तो फॉर्मूला है, और गामा निकालो वो फॉर्मूला वही है, या सीपी सीवी निकाल कर दो ये फॉर्मूला कर दो। अब इसको आप कर दो, क्या कहना चाहते हो? तो क्या हमें क्या पूछ रहा था? सी पूछ रहा है, किस तरह तो सी भी पूछ रहा है, तो N1 CV1 N2 CV2 / N1 + N2, और सी भी बड़ा सोना है F/2। आप जाएंगे देखो, तीन बार वीडियो देख लिए, तीन दिन वीडियो देख लिए, तो पूछे बार बार सीवी क्या है, सीपी क्या है। अब तेरे सामने सामने है, बोल N1 क्या है भाई? टू, एक गैस टू मोल, कौन है ये? ऑटो गैस। कौन सी गैस है? ऑटो क्या होगा? 5 अब आ जाओ तेरे सामने, ये कितना है? काट दे 5। ये कितना है? 12 और 5 कितने हो गए? 17 हम 10 का भाग दे, एक मिनट सा, बिल्कुल थोड़ा जोर आया दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूं, ये चार रणनीति बननी थी, तीन में इसको हम कवर किया है, थोड़े वीडियो लंबे हो रहे हैं, लेकिन हम छोड़ नहीं सकते कुछ भी। हमें लगा मिक्सर जो है वो रह गया, हमने यहां ले लिया, सीपी निकाल दिया, सीवी निकाल दिया। गामा का फॉर्मूला सीधा नहीं होता है, सीपी सीवी निकाल के डिवाइड कर लो या गामा फॉर्मूला कर लो। ओके डियर, 39 में आ जाओ, चल बेटा जी फिर आगे। एक एटॉमिक गैस गामा ये है ये ना, इसका अब आपको रिजल्ट गामा निकालना है। Yes. अब इसका गामा निकालने के लिए वो जो फॉर्मूला है ना, वो मैं काम लूंगा यार तेरे को याद करने के लिए। चल तू ऐसा कर, बोलना स्टार्ट कर, उसे क्या है? N1 बोल N1 γ1 N1 γ1 γ2 - γ2। देख मैं तेरे लिए कर रहा हूँ, ओ बच्चे मैं तेरे लिए कर रहा हूँ, तेरे लिए कर रहा हूँ। N1 γ1 अंदर आएगा γ2 - 1, फिर आएगा N2 γ2 γ1 - 1, नीचे बोल के आएगा upon N1 γ2 - 1 γ2 - 1, फिर वो प्लस N2 γ1 - 1। बिना प्रैक्टिस किए कुछ नहीं होगा। एग्जांपल दूं, तू 10 मोबाइल नंबर सेव कर ले किसी के, और मोबाइल से डायल करते हो, किसी का नंबर याद नहीं है, आप चार बार किसी का नंबर डायल कर लो, मेरी गारंटी याद हो जाएगा। नहीं तो आजकल बहन भाई के आपस में नंबर याद नहीं होते हैं, बिल्कुल पापा के नंबर याद नहीं, पब्लिक डायल कर देते, इसलिए फॉर्मूला याद करना है तो एक तरीका है। मैं एक बार फिर से तैयारी करता हूँ फिर प्रैक्टिस के लिए, आ जा। गामा क्या है? N1 γ1। तरीका है γ2 - 1 + N2 γ2 γ1 - 1। बाहर क्या है? N1 γ2 - 1 N2 γ1 - 1। यस, ये दोस्तों आपका एक सुंदर सा फॉर्मूला। अपन ऐसे कर लेना, देखो जैसे अपन जैसे पहले अपन गलती कर रहे थे उस फॉर्मूले में कि N1 γ1 + N2 γ2 / N1 + N2, बस उस उल्टा गुणा कर दो दोनों में, ये करना बस इसी बात। अब आप देखो, देखो साइड में N1 क्या है? एक परमाणु गैस एक मोल है, N1 एक है, N2 देखना कितना है? एक मोल एक है। गामा वन कौन सी गैस है? एक परमाणु में 5/3, और गामा टू कितना है? 7/5। पेज खाली कर दे, अब दोस्तों पेज खाली कर दे, इनकी वैल्यू पुट कर दो यार।
अब ये वैल्यू पुट करके गुणा भाग करना वीडियो बहुत लंबा और ऑलरेडी पहले से इसका आंसर दोस्तों आ जाएगा। ओके डियर किशोर राजा, तो इसका आंसर जो भी आपके पास आता है उसको आप देख लेना और जाते मुझे इसका याद इसका आंसर 3/2 आता है, जाते मेरी मेमोरी काम कर रही है, इसका आंसर 3/2 है और 3/2 है। ये बहुत बार हाथ से निकाल चुके हैं। आगे चलो 40 पे आ जाओ डियर, फिर आ गया टीडी का और इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है शायद मेरे ख्याल से। बिल्कुल आ जाओ, तो क्या कहता है कोई सिस्टम है IAF, ये रहा देखो IAF, आई से एफ तक जाने में देखो पथ लिखो IAF, तो इसमें क्यू डी की इक्वल टू क्या है 50 तथा डब्ल्यू डब्ल्यू DW equal to कितना है 20 joule, तो मैं इसका DU निकाल देता हूं, DU क्या होगा DQ minus DQ 30 joule। अब 30 तो भाई साहब इस रास्ते भी 30 है, इस रास्ते भी 30 है और इस रास्ते भी 30 है, क्योंकि आप जानते हो कि DU चेंज नहीं होता, होता ही नहीं है। अब क्या कहता है आई एफ आई पथ की बात करना चाहता है, एफ आई पथ एफ आई पथ उल्टा वापस आ रहा है, एक बात सुनना, तो एफ आई पथ के लिए डीयू का मान हो जाएगा -30, आई से एफ 30 है तो एफ से आई क्या होगा -30, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल इनिशियल आपस में बदल गए कुछ भी बदल गया, और इस पथ पे डीडब्ल्यू क्या है -13, तो क्या कहता है पथ का डीक्यू बताओ, तो डीक्यू क्या होता है डीयू प्लस डीडब्ल्यू, आंसर क्या आ गया -43। बिल्कुल ओके डियर, चलो हो गया भाई, आगे क्वेश्चन होगा इसमें नहीं, चलो जी ये आपके दोस्तों क्वेश्चन हो गए, थैंक यू। तो इसी के साथ हमारा हीट वाला मामला कंप्लीट हो गया। हीट का मतलब सुनो क्या क्या है, थर्मामीटर, थर्मल एक्सपेंशन, केटीजी है, टीडी, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये तीन अच्छी वीडियो आपको हमने बना के दिए, आप प्लीज इनको एक बार देख लें, फिर भी कोई सुझाव हो विचार हो तो मेरा मोबाइल नंबर है 9928733888, आप वहां व्हाट्सएप कर दिया करो और प्लीज इस वीडियो पे कुछ कमेंट्स लिखें ताकि हमारी और मेरी पूरी टीम की हौसला अफजाई रहे। और एक आपसे निवेदन है, बहुत से लोग लिखते हैं ये फला टीचर गॉड है भगवान है, प्लीज टीचर गॉड मत बनाओ यार, ये इंसल्ट है किसी की, टीचर टीचर है वो गॉड नहीं हो सकता, मैंने सीकर में कुछ लोग फ्लक्स लगाए थे गॉड गार्ड कुछ नहीं होते, टीचर टीचर है यार, आप गोड है आप किंग है, ये गोड किंग मुझे एलर्जी है प्लीज, इन इस तरह के कमेंट्स देने के टीचर आप उनको अप्रिशिएट करें, इतना ही करें बस, गोड और किंग नहीं बनाए, हम अध्यापक हैं, हमें अध्यापक बना, थैंक यू, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।